कल पार्टी में अकड़ दिखाने वाली यही लग रही है। उसका स्टाइल देख के तो लग रहा है कि वो फर्स्ट ईयर की है। चलो इसे दिखा दे कि हम कौन हैं। क्या तुम्हें पता नहीं सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए? पता है। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। तुम्हारा नाम क्या है? चित्रा। कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए कुछ ज्यादा ही अकड़ नहीं है? क्या है ये? रैगिंग कर रही हो? नहीं सर, स्टूडेंट को क्लासरूम जाने का रास्ता बता रहे हैं। स्टॉप लाइंग। प्रोफेसर की ही रैगिंग करने की कोशिश कर रही हो? प्रोफेसर? यस। चित्रा, लाइक माय डॉटर, इसने साइकोलॉजी में अपने कॉलेज में टॉप किया है। ये ब्रिलियंट स्टूडेंट अब हमारे साथ ही रहेगी। प्रोफेसर साहब ने इसकी अनुमति दी है। उन्होंने इसे असिस्टेंट साइकोलॉजी प्रोफेसर बना दिया। ये PhD करके आपके साथ हॉस्टल में ही रहेगी। आप तो अभी फर्स्ट ईयर कह रहे थे। चित्रा, मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाने वाली हूँ ना, इसके लिए मैंने फर्स्ट ईयर कहा। कहाँ फंस गई यार। प्लीज सर, जाने दीजिए। सॉरी चित्रा, आप प्रोफेसर हैं लेकिन पार्टी में तो मैं सोसाइटी के लिए ऐसे ही रहूंगी। मैं जिंदगी अपनी शर्तों पे जीती हूँ। मैं माँ बो। क्या चित्रा, कैसी हो? एक तरफ तुम्हारी साइकोलॉजी, दूसरी तरफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में तुम्हारी रिसर्च। एवरीथिंग गुड मैम। बहुत कम वक्त में स्टूडेंट मेरे फ्रेंड बन गए हैं। मैं अनाथ नहीं हूँ ये महसूस ना होने देने के लिए आपका धन्यवाद। बस बहुत हुआ। इस वीकेंड में तुम अपने रिसर्च पर सेमिनार करने वाली हो, है ना? हाँ मैम, द एग्जिस्टेंसिव ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सब्जेक्ट में सेमिनार होने वाला है। उस दिन अपने रिसर्च के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कस करने वाली हूँ। ये बताओ, तुमने अपने रिसर्च में क्या पाया, भूत होते हैं या नहीं? लेट्स वेट एंड सी मैम। एक्सक्यूज मी सर। आपने मुझे बुलाया सर। क्या है ये? आजकल मैं ये क्या सुन रहा हूँ, हॉस्टल में भूत घूम रहे हैं। सभी लड़कियां डरी हुई सी हैं। कहीं हॉस्टल कब्रिस्तान के ऊपर तो नहीं है? भूत प्रेत कुछ नहीं है सर। इस अफवाह के ज्यादा फैलने से पहले आप इसे रोकने की कोशिश करो। कब्रिस्तान के ऊपर हॉस्टल, हॉस्टल में भूत है। एक बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से हॉस्टल की बदनामी हो। आप जा सकती हैं। ठीक है सर। ए, तुमने ये सुना? हमारे हॉस्टल से बहुत सी लड़कियां भाग गई, फॉर द रीजन ऑफ अननोन। लेकिन सब ये मानते हैं कि हमारे हॉस्टल में भूत है। बहुत सी लड़कियों ने तो शैडो भी देखा है। मैंने एक बात और सुनी है, हमारे हॉस्टल के प्लेस में पहले एक तालाब था, बहुत से लोग उसमें मार कर फेंके गए और ये हॉस्टल बना दिया। नहीं यार, वो हमारी वार्डन ना, उसके टॉर्चर से लड़कियां भाग गई है। वो तो जनरेटर है। ए, किसने जनरेटर कहा? कौन है जनरेटर? जनरल भूत के बारे में? भूत प्रेत ये सब सच में नहीं है। रात में लड़कियों को नहाते वक्त छुप छुप के देखना, शैडो को फॉलो करना, एवरीबॉडी किसके बॉयफ्रेंड का काम है बताओ? बॉयफ्रेंड? पागल की तरह बात करोगे तो मार डालूंगी, समझ गए ना? ये क्या है चित्रा, तुम भी ना? और नहीं तो क्या मैम, आप हमेशा ऐसी सब बातें करती रहती हो। जब तक आप किसी को पकड़ोगी नहीं, कोई सामने नहीं आएगा, तो ऐसी बातें बंद कैसे होंगी? ए, बहुत हंस दिया, चलो चलो। चित्रा चित्रा, एक छोटा सा डाउट है, यहाँ सब लड़कियाँ पागल है। हाँ। मैं और तुम छोड़कर, हाँ। मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? हाँ पूछो ना। ये सारी लड़कियाँ जनरेटर जनरेटर कहती है, इसका क्या मतलब है? कैसे बताऊँ, ये नाम तो मैंने ही रखा था। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मैम, जनरेटर मतलब पावर चला गया तो करंट रिप्लेस करने वाला। रुको, मुझे समझाओ। मेरा नाम जनप्रिया है लेकिन मुझे जनरेटर क्यों कहते हैं? कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, बताओ ना। वो हा? प्रकाश सर की वाइफ घर पे ना रहे तो उन्हें पावर देने वाली आप ही हो ना? पागल हो तुम लोग, मेरे बारे में ऐसी बात करते हो। तुम लोगों को फ्यूज गए लड़के ही मिलेंगे। तुम लोग कैंडल जला कर ही जियोगे, ऐसी जिंदगी होगी तुम्हारी। मैडम। क्या है? प्रकाश सर के घर में पावर चला गया है। आप जाएंगी तभी जनरेटर ऑन करेंगे, आप जाएंगी क्या? तेरी तो, तू भी जनरेटर की बात कर रहा है। अरे पागल कहीं को। मुझे डर लग रहा है। क्यों डरती हो? कोई तो है। कोई नहीं है यार, डरो मत, मैं ड्रेस चेंज कर कर आती हूँ। ओके। ला 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 ला।
साथ मरे या अचानक अधूरी चाहत के साथ ही उसे मार दिया जाए तो उसकी आत्मा भूत बन जाती है। सो, आप लोगों में से कौन कौन भूतों पर विश्वास करते हैं? ओह, ऑलमोस्ट सब लोग। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों ने भूत देखा है? नो वन। हियर इज द आंसर। आप में से किसी ने भी भूत नहीं देखा फिर भी भरोसा करते हैं? क्या मैडम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप खुद देख रही हैं। मैडम, भूत पकड़ लिया तो नाचना और खुद अपने आप को मारना, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी फॉर बीइंग पॉसेस्ड। ओके, आप शराब पीते हो? हाँ पीता हूँ। क्यों पीते हो? किक के लिए, मस्ती करने के लिए दम भी चाहिए। तो ये किक और दम अदर टाइम में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ड्रिंक करने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, आपके अंदर छुपी हुई एनर्जी को वो पंप करता है। इसी तरह माइंड हाइपर एक्टिवेट होने से सामने वाले के बारे में ज्यादा सोचते हैं और ऐसा होता है। ओके, कुछ पल के लिए भूत है ये मानते हैं, आदमी भूत बन के अपने मारने वाले को मारता है ये मानते हैं, तो मरने वाले ने भी भूत बनकर उस मारने वाले भूत से बदला लेना चाहिए। रोज इतने मर्डर्स होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कल्प्रिट सब जेल में रहते हैं, उनके हाथों से मरने वाले लोग भूत बनकर अपनी मौत का बदला क्यों नहीं लेते? ये क्रिमिनल्स बाहर नॉर्मल आदमी की तरह घूमते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो हमारा समाज कब का सुधर चुका होता। ये है सबसे बड़ा भूत। ये कचरा दिमाग में भरकर ऐसे ही डरते रहोगे। पहले इसे कंट्रोल करो तो बाकी का डर निकल जाएगा। इसीलिए ऊपर वाले या नीचे वाले पर भरोसा करना छोड़कर अपने आप पर भरोसा करो। रुक जाओ चित्रा, तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी। थैंक यू। लेकिन आत्मा होती है, तुम्हें इसका अनुभव नहीं है इसलिए तुम ऐसा कहती हो। सच तब तक झूठ ही लगता है जब तक वो सामने न दिखाई दे। नो वे, मैं इस पे भरोसा नहीं करती। एनीवे, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तुम भी एक दिन मेरी बात पर भरोसा करोगी चित्रा। हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छा था ना? सिर्फ देखने के लिए, यूज करने के लिए नहीं। क्यों बेबी, तुम मुझे यूज करना चाहती हो? ऑफर बहुत है मेरे पास, सिर्फ एक बार ट्राई करो। मेरे साथ साथ 4 फ्री भी मिलेंगे तुम्हें। बेबी को ट्राई करने से पहले बेबी की साइज क्या है मालूम करना चाहिए यार। चित्रा जाने दे, तुम जाने दे ना। साइज पता करनी है, 1 नंबर। आ चित्रा, तेरी तो, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। हाँ, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते हाथ में? चल मैं तुझे मर्द की ताकत दिखाता हूँ। तू कौन है बे? सेंसर बोर्ड, तुम जो कर रहे थे ऐसे सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कट कर दूंगा। हाँ तो चलो निकलो, जाओ। एक मिनट रुकना, मैं अभी आता हूं। ये लो चॉकलेट। ये तो थैंक्स के लिए मुझे आपको देना चाहिए। इट्स ओके बेबी, यू लुक्स लाइक माय सिस्टर, उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि समय खराब है, तुम सोच रही होगी कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहो तो मैं भी इसे खा सकता हूँ। अरे ऐसा नहीं है, आई एम चित्रा, वेस्ली कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रही हूँ। आई एम शनमुख, वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हम कहीं बैठ के बात करें? श्योर। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। सच में आपकी सिस्टर मेरी जैसी लगती है। सॉरी, मेरी सिस्टर तुम्हारे जैसी थी तो अब ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके, अब तुम तो हो ना। हम दोबारा मिलेंगे सर। बाय, सी यू सून। बाय चित्रा। हम्म,
आज से चित्रा हमारे कंट्रोल में रहेगी। एयरपोर्ट में कमाल कर दिया था लड़कियों ने, मस्त लग रही थी भैया। अरे यार क्या फिगर है, मस्त लड़की है यार। ए, ऐसी बातें मत करो, ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड है। 3 बजे का मुहूर्त है, अभी से ऐसा प्रोग्राम कर रहे हो, सो जाएंगे सब लोग सुन के। बदलो यार। क्या? बीट बदलो यार। मतलब 3 मारो। छी, तुम लड़कियों पे। ए, लड़की पे हाथ क्यों उठाया, क्यों मारा? ये लड़कियों पे जबरदस्ती हाथ डाल रही है, इसलिए मैंने उसे चाटा मारा। एक लड़की दूसरी लड़की पर दोस्ती से हाथ डाले तो उसमें गलती क्या है? गलती क्या है, दोस्त के कमर में हाथ डालना ये अच्छी बात है। लड़कियों को सरेआम कई बार भी छूना अच्छी बात है। उसका शरीर तो एक लड़की का है लेकिन सोच पूरी मर्द की तरह है। अंकल मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ तुम वैसी हो। क्या बोल रही हो? वैसी हो तुम। कल हॉस्टल में मस्ती करेंगे। नहीं चित्रा, छोड़ दो मुझे। प्लीज चित्रा, प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ दो चित्रा। आजा, मस्ती करेंगे। नहीं चित्रा। आजा, छोड़ो चित्रा। आजा। आप लोग क्या कर रहे हो? देखा क्या? जो भी इसने किया, एक लड़की होने के नाते मैं बाहर नहीं।
तो ये बीमारी है क्या? बीमारी नहीं है, शौक होता है कुछ लड़कियों को इस तरह की हरकत करने का, उन्हें लड़कियां ही पसंद आती है। हाँ ये सच है। सुनैना इतने दिन से तुम कहाँ गायब थी? देखो ये लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तुम बोलो ना सच क्या है? चित्रा ये लोग जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं सब सच है। सच है? हाँ सच है, ये जो कह रहे हैं सब सच है। सबको लगता है मैं हॉस्टल छोड़ के चली गई, लेकिन मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी, इसका कारण तुम हो चित्रा। हॉस्टल में लड़कियों को चोरी चुपके देखना, शैडो की तरफ फॉलो करना, उनको सीड्यूस करने की कोशिश करना, हॉस्टल की हर लड़की तुमसे दूर जाना चाहती थी, तुमसे डरने लगी थी। वो हॉस्टल में हर रात लड़कियों के चीखने की रोने की आवाज आती थी। छोड़ो चित्रा, प्लीज प्लीज लीव मी। चित्रा प्लीज लीव मी, नो चित्रा। ए चित्रा कहाँ हो तुम? आ जा चित्रा। किचक क्या है ये नया गेम है क्या? चलो यार चलते हैं। मैं चित्रा तुमसे कहा था ना कि इस तरह की मस्ती बिल्कुल मत करना। चित्रा किचक तुम मानोगी नहीं क्या? तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो, चलो सोने चलते हैं। चित्रा ये बहुत ज्यादा हो रहा है। चित्रा प्लीज मुझे कुछ मत करना। तुम मेरी कजिन सिस्टर लगती हो क्या जो मुझे वार्निंग दे रही हो? चित्रा तुम अपने हद पार कर रही हो। हद क्या है? मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगी। नहीं चित्रा, सोने के लिए बुला रही थी ना, चल सोते हैं। ऐसा मत करो चित्रा प्लीज। उसे कहना 6 मर्द भी वार करे तो मैं उन सब को संभाल सकती हूँ, वो मेरा क्या कर सकती है? मुझे क्या अपने जैसा समझा है उसने? जीत हमेशा मेरी होती रहेगी। किचक फाड़ दूंगी, मार डालूंगी। उस दिन मैंने चित्रा को नहीं, चित्रा के अंदर बसे राक्षसनी को देखा था, तुम्हें भूतनी ने पकड़ लिया था। वो क्यों पागलों की तरह हरकतें कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो क्या कर रही है उसे ही नहीं मालूम था। अनाथ की तरह पली हुई चित्रा की ये बात अगर आपको पता चल जाती तो चित्रा फिर से अनाथ हो जाती, यही सोच के मैं हॉस्टल से चली गई। ए, कौन है? सिर्फ चित्रा के लिए मैं हॉस्टल में आया जाया करती थी। चित्रा सेक्स पावर या लेस्बियन? इससे भी खतरनाक है इन दोनों से बनी हुई चुड़ैल। चित्रा तुम इस वक्त यहाँ? मुझे हॉस्टल से बाहर कर दिया मैम। चित्रा एक अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। चित्रा मेरे लिए बड़ी बेटी की तरह, बेटी की तरह नहीं बेटी ही है। ये देखो आ गई वो। वो एक महारानी है, लड़कियों को तंग करने वाली महारानी। कमाल है ये। मर्द लड़कियों की तरह हरकत करते हैं ये मैंने देखा था, लेकिन पढ़ाने वाली लड़की ऐसी हरकत करती है ये नहीं देखा था। कहाँ जा रहे हम? बिना बताए मंदिर लेकर आ गई मुझे। तुम्हारे दर्द को कम करने वाली मेडिसिन है यहाँ। मेडिसिन मंदिर में मिलेगी? तुम्हारे दर्द की करेक्ट मेडिसिन, तुम्हें समझने वाला लाइफ पार्टनर।
हाँ चित्रा, इससे तुम्हारा अकेलापन दूर होगा और तुम्हें शांति मिलेगी। ये ज्योतिष तुम्हारी सही कुंडली बनाएंगे बेटा। ज्योतिष मैम, मैं इन सब पर भरोसा नहीं करती। तुम यकीन करो या ना करो, लड़के वाले यकीन करते हैं इस पे। तो क्या? कुंडली बनाने के लिए तुम्हारी सही डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, इसलिए नारी ज्योतिष के पास बेटी, यहाँ पर अपना अंगूठा लगा दो। मैं पढ़ी लिखी हूँ स्वामी, दस्तखत कर सकती हूँ। फिर भी आपको अंगूठा ही लगाना पड़ेगा। ये क्या नॉनसेंस है? सिक्स सेंस। कई सालों पहले अगस्त्य महामुनि ने अपने दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि से मनुष्य के भविष्य को जानने के लिए जो शास्त्र लिखा, वही है ये। मनुष्य के जीवन में क्या क्या घटित होगा उसे आसान तरीके से समझाया गया है इस वेद के माध्यम से। सिर्फ मनुष्य के अंगूठे को देखकर ही उसके पूरे जीवन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अपने से बात करके अपने बारे में बताने वाले गार्जियन के बारे में सुना था। मैं अपने ज्ञान से अगर तुम्हें अपने पक्ष में कर लिया तो मैं महागुरु, अगर तुमने अपनी बातों से मुझे अपने पक्ष में कर लिया तो तुम महागुरु। ओम नमः शिवाय। सुनो चैतन्य जी। स्वामी जी। आपके अंगूठे के निशान के अनुसार ये रहा तामपत्र। मैं तामपत्र में लिखी हुई बातों को पढ़ता हूँ, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। जिस तामपत्र से आपका जवाब मेल खाएगा वही आपका तामपत्र होगा। आपका जन्म जनवरी महीने में हुआ है। नहीं। आपकी शादी हो गई? हाँ? नहीं। आप शिक्षा देने वाला काम कर रही हैं? हाँ। आपकी उम्र अभी 30 साल है? नहीं। यहाँ जितने भी तामपत्र हैं सब ढूंढ लिया लेकिन आपके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। महाशिवरात्रि में वैदेश्वरी मंदिर जाइए, वहाँ आपकी कुंडली मिल सकती है। क्यों हंस रही हो चित्रा? हमारी जिंदगी एक ताम्रपत में है ये सुन के। बहुत सालों से मेहनत करके तुमने रिसर्च की लेकिन उसका सर्टिफिकेट एक छोटे से कागज में ही होगा ना चित्रा। तुम्हें तो पता है इंसान की जान भी छोटे से धड़कन में बसी होती है। आज तुम्हें इस पर हंसी आ रही है लेकिन तुम्हें कल इस पर यकीन होगा चित्रा। शरद ने आपके बारे में बताया था मुझे चित्रा। देखिए आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका समाधान हम निकालेंगे। आपके ब्रेन से उन सवालों का जवाब निकालने की कोशिश करेंगे पॉलीसोनोग्राफी के जरिए। आसान भाषा में बोलें तो इसे माइंड रीडिंग बोलते हैं। इसे देखो चित्रा, इसका इस्तेमाल क्रिमिनल से सच बुलवाने के लिए किया जाता है। ये एक तरह का लाई डिटेक्टर भी है। ये एक ब्रेन वेव को डिकोड करने वाली मशीन है। अरे रे रे, सही वक्त पे तुम लोग बेल मारते हो। क्यों चंद्रू, तुमने क्या सपना देखा बता सकते हो? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते हो? मैं और पत्नी वॉक पे जा रहे थे तो वहाँ हुआ यूँ कि मेरी किस्मत से वो गड्ढे में गिरने से बच गई। कट 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 कट। मैं ना अकेले जा रहा था, बीच में ना समानता है ना वो मेरे सामने आई और फिर वो पास आकर उसके बाद तभी आपने बेल बजा दी। समानता बच गई। मतलब सोते समय भी हमारा ब्रेन कंटिन्यूअस काम करता रहता है। अगर आपका ब्रेन वर्क करना बंद कर दे तो आप डीप स्लीप में जा सकते हैं और इसके लिए जितना हो सके आपको नींद से बचना चाहिए। इससे आपका ब्रेन पूरी तरह से थक जाएगा और हम आपकी माइंड रीडिंग आसानी से कर सकते हैं। बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज चित्रा। आग बंद होने से पहले मैं अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ और अगर ये मुझे अभी पता चल जाता है तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैडम मैडम ये देखिए। डोंट वरी चित्रा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो चित्रा। अरे हमें अपना गुस्सा खाने की चीजों पर नहीं निकालना चाहिए, ले लो। क्या हुआ चित्रा? आर यू ओके? एक्सक्यूज मी चित्रा। चित्रा तुम ठीक तो हो ना? देखो समय पर नहीं खाने से ऐसा होता है। आओ मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं।
राइट टाइम फॉर द माइंड रीडिंग। ये स्थिति हमारे लिए अनुकूल है, अब हम चित्रा के माइंड को डिकोड कर सकते हैं। ये कौन है? ये हमें हिम्मत दिलाने के लिए आए हैं। हिम्मत नहीं सर, डर। क्यों, चित्रा के अंदर आत्मा घुसी हुई है क्या? इनका कहना है कि भूत की वजह से ये सब हो रहा है। डॉक्टर, इज्जत से बात करो। लोगों को डरा कर सिर्फ पैसे कमाते हैं तुम्हारे जैसे लोग। तुम भी तो वही काम करते हो, तभी तो तुम रईसों की जिंदगी जीते हो। ए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये क्या, ब्रेन तो नॉर्मल है, फिर ये एबनॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है? डॉक्टर, पल्स रेट चेक किया? नॉर्मल है सर। हार्ट बीट? नॉर्मल है। नॉर्मल? डॉक्टर! देखो कैसे शेर की तरह कूद रही है, एक बदन में दो आत्मा कैसे लड़ रही है। देखो, अगर एक बदन में दो आत्मा होगी तो देखो क्या होगा। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसके बदन से दूसरी आत्मा नहीं निकल जाएगी। हमें कुछ भी करके उसके शरीर से एक आत्मा को निकालना होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है। hey, hey, nonsense! तुम कहने भी यहाँ से। इनकी बात का बुरा मत मानिए, प्लीज। मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन अगर आप लोग मेरी बात पर ध्यान देंगे तो चित्रा बच जाएगी, क्योंकि चित्रा के शरीर में दो आत्माएं हैं, दो आत्माएं हैं। ओम नमः शिवाय। सॉरी सर, अभी इस वक्त हम इसके माइंड को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अच्छा ये होगा कि हम इसे किसी बेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास ले चलें। साइकेट्रिस्ट? देखो चित्रा, हम इंडिया के बेस्ट साइकेट्रिस्ट नीलकंठ जी के पास जाएंगे। हेलो चित्रा, कम कम। भाई आप डॉक्टर हो? क्यों, मुझे डॉक्टर नहीं होना चाहिए। आपका तो बिजनेस था। हाँ, ये भी तो एक बिजनेस है, लोगों की बीमारी दूर करता हूँ। फिर ये शनमुख नीलकंठ, वो फाइल मुझे दो। ये सब क्या है चित्रा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भरोसा नहीं करती, अंधविश्वास में भरोसा नहीं है। अपने सपने के बारे में बता देती तो मेरी रिसर्च की क्या वैल्यू रह जाती। सपना, तुम क्या बोल रही हो चित्रा? सच है। अब रिलैक्स हो जाओ, नर्वस होने की जरूरत नहीं। नाउ यू आर गोइंग इनटू डीप स्लीप, रिलैक्स, रिलैक्स। अच्छा ये बताओ कि वो सपना कितने दिनों से आ रहा है? कुछ दिनों से। ड्रीम्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर थॉट्स। तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर दिमाग के किसी कोने में जमा होता है और फिर सपने के रूप में बाहर आता है। सिर्फ एक बार आता तो ध्यान नहीं देती। लेकिन ये सपना बार बार आता है, बार बार आता है। क्या तुम मुझे बताओगी कि सपने में तुम क्या देखकर डरती हो? मैं चिल्ला रही थी कि उस आदमी को मत मारो। आप इस पे भरोसा नहीं कर रहे ना? जल्दी लोग तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हें पागल समझेंगे। ऑफ कोर्स, ये सब मुझे ना होकर किसी और को होता तो मैं भी ऐसा ही कहती, पागल। लेकिन इसे छुपाना भी तो अच्छी बात नहीं है चित्रा। नहीं बता सकते सर, क्योंकि ये सच है और साबित करने के लिए मेरे पास कोई गवाह नहीं है। देखो चित्रा, ऊपर वाले का वरदान है नींद, लेकिन तुम्हारे लिए श्राप है। इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। थैंक्स। किस लिए? तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए? हारने के लिए। ओह कम ऑन, डोंट लूज योरसेल्फ। तुम्हें वापस इस तरह का सपना है तो मुझे बताना, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या करना है। यू कैन वेट देयर, आई विल कम। हाय सर, हम आपसे कंसल्ट कर रहे थे, ये बात चित्रा को नहीं बताया, बताऊंगा भी नहीं। थैंक यू सर। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे पास चित्रा को लेकर आएंगे। मैं खुद चित्रा के पास जाऊंगा, इस केस को रिवर्स से डील करेंगे तो अच्छा होगा। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा था? इस तरह के टिपिकल केस में पेशेंट के सामने डॉक्टर बनकर नहीं,
बल्कि दोस्त बनकर जाओ तो सच बाहर आता है। मैंने जब ये केस लिया था तो मुझे शक था कि वो भ्रम के शिकार है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो ड्रग्स एडिक्टेड होगी, ऐसा मुझे लगा था। इसलिए दो बार ब्लड सैंपल्स लेकर मैंने टेस्ट किया, लेकिन सब नॉर्मल आया था। माइंड रीडिंग टेस्ट में भी ब्रेन वेव्स नॉर्मल थे, लेकिन वो एबनॉर्मल बिहेव कर रही थी। और आखिर में मैं उसे ट्रांस में लेकर गया तो उसने मुझे एक नई कहानी बताई, एक सपने के बारे में। सपने के बारे में? कोई किसी का मर्डर करता है और उसकी आत्मा उसके सपने में आती है, ऐसा उसने मुझे बताया। लेकिन हमें अभी तक क्यों नहीं बताया? अगर वो बताती तो आप लोग उसे पागल समझते। पागल? हाँ, और वो शायद पागल हो भी सकती है, या फिर ओपनली बताए तो लेस्बियन। तो वो सपना आने पर लड़कियों को अटैक करना, सेड्यूस करना, यहाँ तक कि मारने की कोशिश किया करती थी। क्वाइट फनी। तुम बाउल लेकर आओ, तुम ये बैंगल दो। अब इसके बीच में ये कॉइन डालो। गुड, अब एक बार फिर ट्राई करो। मिस्ड, टारगेट मिस्ड। एक बार और ट्राई करोगी? नहीं गिर सकता सर, पानी में जाते ही उसका वेट कम हो गया है ना, इसलिए वो बाहर गिर गया। That's it. लेकिन फिजिक्स और साइकोलॉजी का क्या लिंक है सर? जब तुमने पहली बार कॉइन सर्कल में डाला, कॉन्शियस स्टेज, सेकंड टाइम टारगेट और तुम्हारे बीच में था वाटर, और वो था तुम्हारा सब कॉन्शियस स्टेज। हमारी सोच को कंट्रोल करता है दिमाग, लेकिन दिमाग एक चीज को कंट्रोल नहीं करता, वो है नींद। हम जो सपना देखते हैं उससे खुद नींद भी नहीं रोक सकती। सोते समय ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण कई बार लगता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो है स्लीप पैरालिसिस। आम आदमी को लगता है कि भूत ने पकड़ा है, लेकिन अगर उसने ये नींद से बाहर आकर किया तो ये एक डेंजरस स्थिति है। इस बीमारी में पेशेंट भ्रमित होता है और उसी को सत्य मानकर जीता है। सच कहें तो कई बार पेशेंट जबरदस्त डिप्रेशन में चला जाता है। ये एक टिपिकल केस है। इंडिया के टॉप मोस्ट साइकेट्रिस्ट आप हो, आप ऐसी बातें करेंगे तो? मैंने टिपिकल कहा, इम्पॉसिबल नहीं कहा। इट्स अ चैलेंज फॉर मी। अगर ऐसा केस डील करूंगा तो नाम भी कमाऊंगा और साथ में पैसा भी। चित्रा का प्रॉब्लम अगर इंसानों से सॉल्व नहीं हुआ तो? क्या? चित्रा सपने में किसी के मर्डर की बातें कर रही थी। स्वामी जी ने भी कहा था कि कोई आत्मा चित्रा के अंदर घुस के ये सब हरकतें करवा रही है। तुमने कहा चित्रा की कोई दोस्त नहीं, ये है ना उनकी तरह दूसरी पागल। डॉक्टर, जो सपना किसी को नहीं आता है वो चित्रा को ही क्यों आता है, या आप मुझे बता सकती हैं मैडम? ये एक पॉइंट है। चित्रा अपने सपने के बारे में कई बातें करती है। वो सपने में एक अनजान जगह पे जाती है, वहां जाकर उसे एक मर्डर दिखता है। जो जगह उसके सपने में आती है उसका मिलना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी जगह इस धरती पर है ही नहीं, सिर्फ चित्रा के सपने में है। भाई! चित्रा, 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 ये कहाँ है? ये कहाँ है? कहाँ है? हाँ, ये लास्ट मंथ पे यूएसए में डेलवर शहर में ली गई फोटो। डेलवर में? हाँ। डेलवर में? भाई! चित्रा? भाई! चित्रा? ये काम डाउन चित्रा। ये वो प्लेस है जो मुझे सपने में आता है। चलो, चलो मेरे साथ। चलो, चित्रा। प्लीज चलो तुम्हारा सपना। शट अप। अभी तक मैं तुम्हें आधा पागल समझ रहा था, लेकिन तुम पूरी पागल हो, पूरी पागल। पासपोर्ट है तुम्हारे पास? पासपोर्ट नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे अनुसार तुम अमेरिका गए और वहां एक मर्डर देखा। पागल के द्वारा फेंके गए पत्थरों से ज्यादा खतरनाक होता है झूठ। इसकी बात सुनेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे। जाओ, सब अपना काम करो, जाओ, चलो जाओ। एए, क्या बोल रहे हो? चित्रा, क्या बोल रहे हो तुम? भाई की तरह नहीं तो कम से कम इंसान की तरह तो बिहेव करो। छी, सोसाइटी ने क्वेश्चन मार्क बना दिया मेरी जिंदगी को, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं था। मुझे पागल कहा, मैं अपने आप से ही सवाल कर रही हूँ, क्योंकि वो सपना गवाह है। वो सपने का मेरा क्या रिश्ता है, मैं ये ढूंढना चाहती हूँ। ये मेरी लाइफ एंड डेथ है। मेरी लाइफ का और उस डेथ का क्या रिश्ता है, हा? जान लूंगी। ये सब क्या है चित्रा, ये सपना, ये सब क्या है चित्रा? नहीं छोड़ूंगी सर, मेरे सपने के लिए अभी तक कोई सबूत नहीं था। अगर वो प्लेस सच है तो वो मर्डर भी सच है। वो मर्डर सच है तो उसकी मौत मुझसे कुछ कहना चाहती है। मेरी बेइज्जती हुई है, अपने मन की शांति के लिए और उसका जवाब ढूंढने के लिए मैं अमेरिका जाके रहूंगी। चित्रा मेरी बात सुनो,
मैं अपने उस दिन के व्यवहार के लिए गिल्टी महसूस कर रहा हूँ और तुमसे माफी मांगते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी असिस्टेंट सुवर्णा, वो भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाएगी। तुम उसे नहीं जानती हो, लेकिन वो तुम्हारे दुखों को जानती है। वो तुम्हारी हेल्प करेगी, इसलिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। सुनो चित्रा, अगर तुम्हारा सपना सच है तो वैसी स्थिति में तुम्हें बचाने के लिए या किसी और को तुमसे बचाने के लिए तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है। एक बार उससे बात कर लो। हेलो, हाय चित्रा, मैं तुम्हें कभी भी पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करूंगी और तुम भी मुझे डॉक्टर मत समझना। मैं एक अच्छे फ्रेंड के साथ अमेरिका देखना चाहती हूँ। मैं भी साथ में आ रही हूँ। ओके, मिलेंगे, बाय। सुवर्णा, मेरी बहन का ख्याल रखना। श्योर सर। उसके बारे में तुम्हें बताया था ना, उसे सबक सिखाना जरूरी है। आपको हर्ट किया था क्या सर? उसने मेरी नॉलेज को चैलेंज किया था, मेरे ईगो को हर्ट किया था। ऑफ कोर्स, अब ना तो उसकी जीत होगी और ना ही मेरी हार होगी। Wish you all the best, Chitra. Chitra and team, yeah. Excuse me, come on, take this. Yes. एक्चुअली क्या है ना, इंडिया से दो सुंदर लड़कियां आ रही है, तो इस हफ्ते एक को पटाऊंगा, अगले हफ्ते दूसरी को पटाऊंगा। देखते रहना, दोनों को बदल बदल के डिस्कोथेक ले जाऊंगा। मेरे गुरु ने भी कहा था कि दो लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आएगी, फिर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कुंजू को बब्बन इस दुनिया में एक ही है और वो मैं हूँ। तुम बस मेरा कमाल देखते जाओ। चित्रा, कॉफी? Hey you baby, I love you. तुझे इस तरफ मारा है? इतनी जोर से मारा, समझ में नहीं आ रहा मैडम। ए पागल। कौन है रे पागल? आपको नहीं, लालकोट वाले को बोला मैडम। जैसे आप नहीं जानते पागल कौन है। ये क्या, ये तो मेरी तारीफ कर रही है। लगता है मेरे कैरेक्टर को पहचान गई है। कोई बात नहीं मैडम, मैं अपना कैरेक्टर बदल दूंगा। लेट्स मूव चित्रा, है ना। आई हुए गेस्ट को वेलकम बोल के रिसीव करना चाहिए, आई लव यू बोल के नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा है, चलो चलो। लगेज लेके आओ। लगेज? लगेज पे होने के बाद भी फ्रेश लग रही है ये। उसकी चप्पल भी फ्रेश है। दीदी क्या है वो, आप ज्यादा ही फॉरवर्ड लग रही हो। बहुत ज्यादा फॉरवर्ड ना जाए तो बहुत बैकवर्ड समझेंगे। तुम इंग्लिश सही से बोल सकते हो या हिंदी में ही बात करोगे? तुम्हारा नाम क्या है? कुंजुकू बब्बन दीदी। कुंजुकू बब्बन कहा क्या? कुंजुकू बब्बन दीदी। कुंजुकू बब्बन दीदी। दीदी को हटा के पूरा नाम बता। कुंजका बब्बन। हाँ दीदी, समझ गई। ये तो बंदर के जैसा नाम है। पैदा होते ही तुम्हारे माँ बाप ने बिल्कुल सही नाम चुन लिया। तुम तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बेबी। मैं पिछले 12 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैक्सिको से शिकागो तक हर जगह जानता हूँ मैं। तुम तो घुमाने वाले लग रहे हो। तुम तो बहुत बाल की खाल निकालती हो। आने वालों को रिसीव करने के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है, नीलकंठ जी ने बताया था। वो जाने दो ना बेबी, अमेरिका में कालों से दूर रहना चाहिए, समझी आप? हाँ ऐसा। सुवर्णा चल चल चल, भाग भाग भाग। बेबी पक्का पिछले जन्म में तुम मर्द रही होगी, क्या नजर पाई हो तुम। ऐसी नजर तो मर्दों की होती है। Excuse me. Yes, ma'am. How may I assist you? I need to know the detail about the lakeside murder of the Indian man. Do you have any details, like when it happens or which place? No. In that case, we can't help you. You don't share those details. If you want any clarification, there is an Indian breed officer here. He may help you. Chitra, kya kaha pulis wale ne? Ye meri life se juda hua mamla hai. Main apni taraf se puri koshish karungi. Chitra, kya hua Chitra? Main ghar jana chahti hu. Yahan dar lag raha hai. Dard ho raha hai kya? नहीं, डर लग रहा है। जीत के लिए सात समंदर पार करके यहाँ कहीं मंजिल तक ना पहुंच पाई तो। ये क्या बेबी, हमेशा अमेरिकन रेडियो जॉकी की तरह पैप पैप करते रहती हो और आज पार्क में लगे स्टैचू की तरह शांत खड़ी हो, आखिर बात क्या है? हाँ, सिचुएशन देखकर कॉमेडी करनी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन पर नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या इरिटेशन है क्या फ्रस्ट्रेशन, आखिर बताओ तो सही। फ्लैशबैक में जाता हूँ। अरे बेबी, तुमने मुझे एक हिंदी सिनेमा की कहानी बताई थी। अब कुल बेबी, मेरा आइडिया ये है कि हम बर्थ से नहीं बल्कि डेथ से शुरू करेंगे। ए बब्बन, क्या है, तुम्हें भी दिमाग है यार। चला, मेरा दिमाग तो बहुत कमजोर है, मैं तो आइंस्टाइन को भी भोला भाला समझता हूँ। सर पे बाल ना हो तो उसे टकला कहते हैं, तू भी आधा ढकला समझे। तुम टेंशन में भी मुझे डोमिनेट करना नहीं छोड़ोगी ना? ए, फालतू की बात छोड़ो, काम की बात करो। ऐसे कैसे पूछताछ कर सकते हैं? अरे रे 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 रे, देखो रास्ता कितना भी मुश्किल हो पर मंजिल पे पहुंचना बहुत जरूरी है बेबी। मेहनत करने के लिए एक चमचे के होने की बहुत जरूरत है। और वो चमचा कहाँ मिलेगा? कहीं वो चमचा मैं ही तो नहीं हूँ? क्या कहा? हाँ, लास्ट वीक जब मैंने एक फ्लावर वाले को ट्रेस किया था तो वहाँ कुंजको कुंजको डोंट वरी कुंजको, ए
ए पागल, अगर तू हटेगा नहीं तो मैं कैसे ऑर्डर दूंगा यार। क्या कहा बता, तेरी समझ में आ गया क्या? भैया मुझे डांट सुने बहुत दिन हो गया, वापस डांटो ना भैया। तुम्हें डांट खाना पसंद है तो मैं डांटना शुरू करता हूँ। वेल्डिंग शॉप के सामने फोटो भेज देने वाले पागल हो तुम, मटन शॉप के आगे मिठाई मांगने वाले बेवकूफ हो तुम, और डांटू क्या? अरे क्या कमाल की अंगूठी पहने हो, सोने का ब्रेसलेट भी है, गले में चेन है, क्या बात है, काम क्या करते हो यार, हमें भी बताओ। कंस्ट्रक्शन फील्ड है भाई। कंस्ट्रक्शन फील्ड, क्या क्या बनाते हो, क्या क्या बेचते हो? इयरली 10,000 से ज्यादा बनाता हूँ भाई। क्या 10,000 से ज्यादा बनाते हो? 10,000 से ज्यादा कस्टमर है क्या? अब कस्टमर क्या, ओनर भी होंगे। अरे तुम तो बहुत ग्रेट इंजीनियर हो यार। ग्रेट इंजीनियर नहीं, ग्रेव इंजीनियर। ग्रेव इंजीनियर, आखिर तुम बनाते क्या हो यार? कब्र भाई। कब्र बनाते हो? हाँ कब्र। अरे यार इतने प्यारी शक्ल के हो, मैंने तुम्हें सिविल इंजीनियर समझा, तुम कब्र बनाते हो? आश्चर्य हुआ क्या? ये देखिए, सिंगल कब्र, जुड़वा कब्र, मेल और फीमेल कब्र, और ये तो दांत के डॉक्टर की है, इसलिए स्माइलिंग कब्र, विमान की कब्र भाई। विमान यात्रा में मरने वाले के लिए है ना। वाह 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 वाह, आप तो बहुत तेज हो भाई। किस गाँव के हो आप बताओ? मैं गंगा के उस पार का हूँ। मैं इस पार का, आप उस पार के, क्या जोड़ी है, क्या बाँ 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 भाई, बजा गया। अपना नाम तो बताओ। गजरा है भाई। गजरा गजरा, ये कैसा नाम हुआ यार? गजरा नाम कोई रखता है क्या? अजीब सा नाम है। तुम्हारा नाम? कुंजुकू बब्बन। ऐसा लगता है किसी चाइनीज फिल्म का नाम है भाई। पता नहीं क्यों सब लोग सुन के यही कहते हैं यार। इट्स वैल्यू। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है, फोन करना। बाय कुंजुकू। देखो बेबी, उसका फोन नंबर इस कार्ड में है, मैं उसको अभी फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो हेलो गजरा, एकदम फूलो जैसा नाम रखा है यार। कौन? अरे क्या यार, इतनी जल्दी भूल गया, मैं तुझे डाटा था। कुंजुकू बब्बन, इट्स मी। अच्छा तुम हो, इसका नाम चाइनीज फिल्म जैसा है। अरे यार अब ये सब मस्ती वस्ती छोड़ो, सुनो मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मैं तुमसे कहाँ और कब मिल सकता हूँ ये बताओ, समझे? क्या बोलना चाहते हो भाई? अरे पागल, इतनी देर से मदद मांग रहा हूँ फिर भी बोल रहा है, क्या बोलना चाहते हो भाई? अरे ये सब नहीं, मिलना चाहता हूँ तुमसे, बताओ। साइड पे आ जाओ भाई। साइड में आ जाऊँ? साइड कहाँ है? अरे गजरा भूल, कहाँ हो तुम? अरे कहाँ छुप गए हो? अरे यार साइड पे बुला लिया। अरे गजरा कहाँ हो यार? सॉरी दीदी। ये क्या है? ये बहुत डर लग रहा है। ये क्या साइड है यार? इस साइड में क्यों बुलाया यार? पागल कहीं के डरा दिया मुझे, मर जाता मैं। खैर छोड़ो, मुझे अगर किसी इंडियन की कब्र के बारे में जानना है तो कैसे जान सकता हूँ? वो तो कॉन्फिडेंशियल है भाई। डिटेल्स सारी अमेरिकन सेमेटोरियल में है भाई। ऐसा क्या? हाँ, नॉर्मली डिटेल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, कोई दूसरा काम है? इसको कैसे फंसाऊं? आइडिया, शाम को अगर पब में मिले तो चलेगा? पक्का। हेलो चाचा जी, आपकी बात मानकर मैं चित्रा को शैडो की तरह फॉलो कर रहा हूँ। अरे वो तो आसान है, सावधानी से फॉलो करना, ये केस बहुत टेढ़ा है। टेढ़ा है तो? उसके शरीर में एक मर्द आते जाते रहता है। अरे ये क्या, मैं तो उसके घर आता जाता रहता हूँ, वो कैजुअली बात करती है। चित्रा क्या स्प्लिट पर्सनैलिटी है? हाँ स्प्लिट पर्सनैलिटी। जब आत्मा आएगी तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा? जब आत्मा आती है तो चेंज दिखता है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है चाचा जी। तो इंडियन गर्ल हो तुम? थैंक गॉड, इंडियन ऑफिसर। इंडियन ब्रीड, लेकिन इंडियन नहीं। बात क्या है? मेरा नाम चित्रा है। मैं जय चित्रा या ज्योति चित्रा? जस्ट जोकिंग। मैं जोक और सिगरेट पसंद नहीं करती। तुम्हें पसंद नहीं तो मैं इसे छोड़ दूं या इसे फेंक दूं? न तुम मेरी वाइफ लगती हो और न मेरी गर्लफ्रेंड। ओके कूल, ये बताओ किस काम के लिए आई हो? मुझे लेक साइड में हुए मर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है? नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन सेंटर है। खैर ये बताओ किसका मर्डर? मैं वैजाक में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करती हूँ। कुछ दिनों से सपना आ रहा है कि एक आदमी को एक लेडी मारती है। वो मर्डर जिस प्लेस में हुआ था वो यही है। मुझे उस मरे हुए आदमी की डिटेल्स चाहिए थी। जोक है सर? जोक नहीं है, मेरी लाइफ का सवाल है। ठीक है ठीक है। उस आदमी का नाम जानती हो? नहीं जानती। फोटो है कोई उसका? उस आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई क्लू है क्या? नहीं। जो तुम बोल रही हो वो जिंदा है या नहीं? मैं नहीं जानती। तुम गलत जगह पे आई हो, तुम्हारी मंजिल 2 मील पे है, मेंटल हॉस्पिटल। वहाँ जाकर अपने पागलपन की कहानी सुनाओ, वही सुनेंगे। यहाँ एक इंसान की जान चली गई है,
आपको कहानी लग रही है? एग्जैक्टली हिंदी में इसे नानी की कहानी कहते हैं और इंग्लिश में कॉक एंड बुल की स्टोरी कहते हैं। मेरी राय से तुम्हें हॉलीवुड में कहानी सुनानी चाहिए, ज्यादा डिमांड होगी। सर गिव रिस्पेक्ट। हे, अब तक बहुत रिस्पेक्ट दे दिया, अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ए, तुम्हारी हर बात मानने के लिए मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ। मेरी बात को कहानी बताने वाले तुझे मैं ए, मेरे से उंगली उठा के बात कर रही है तू? चल निकल निकल बाहर, दोबारा मेरे एरिया में दिखाई मत देना। हाय, जो हुआ मैंने देखा, उसने आपसे कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव किया ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओह सॉरी, मैं कौन हूँ मैंने बताया ही नहीं। आई एम संयुक्ता, इस विंग में एज अ स्पेशल ऑफिसर वर्क कर रही हूँ। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आंखों के सामने वाले आदमी को भाव न देने वाले इस जमाने में आप सपने में आए आदमी के बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? जिसे ढूंढ रही हूँ वो इंसान और कोई नहीं, मेरे फादर हैं। फादर? मेरे फादर को किसी ने बेरहमी से मार दिया, वो कौन है यही ढूंढने के लिए मैं आई हूँ। फादर से रिश्ता ही ऐसा होता है। आप कहाँ रहती हैं? डेल्वर में। आपका केस सॉल्व होने तक अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे पास रह सकती हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं आप में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हूँ। इतनी दूर से आई किसी लड़की का इस तरह सड़क पे घूमना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो भी फादर के लिए। ऊपर से कॉप से भी कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपको मंजूर हो तो आ सकती हैं। ओके वाओ ब्यूटीफुल। वाह क्या बंगला है, कौन है ये पागल? बेबी इसको समझा दो मेरे बारे में ऐसा ना बोले। मैं बताती हूँ। हाँ बोलो। ये सब यूज होने वाला लगेज। हाँ। और ये यूजलेस। हाँ? ओह यही ठीक थी। चलो अब या। चलो चलो, कैसी लड़की है ये, इतने कम कपड़े पहनती है लेकिन लगेज में देखो तो क्या क्या भरा पड़ा है। ए भगवान कहाँ फंसा दिया मुझे। कॉफी? हाय हाय, थैंक यू। मुझे ऐसे मॉर्निंग में सनराइज देखते हुए कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है। ओह आई सी, और क्या क्या पसंद है तुम्हें? स्विमिंग, पियानो। ए, मैं मेरी पसंद नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हारी पसंद। हाँ अच्छा बताओ तुम क्या क्या पसंद करती हो? जो तुमने बताया प्लस फ्रेंड्स के साथ घूमना। फ्रेंड्स? बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स? नो बॉयज ओनली गर्ल्स। किचक, मैं भी वैसी हूँ, गर्ल्स को ज्यादा पसंद करती हूँ। क्या हम दोनों का टेस्ट एक ही है बस। चित्रा हम सब तुम्हें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, समझी? आप बस इसी तरह हंसते रहना। तो फिर पहले तुम ये आप कहना बंद करो। सपने में आए हुए व्यक्ति के लिए आए हैं या तुम्हारे पिताजी के लिए? सपने में आए हुए व्यक्ति के लिए। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सच कहा। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझ पर संयुक्ता के अलावा किसने भरोसा किया? मैं तुमसे सिंपति नहीं बस सपोर्ट चाहती हूँ। आहा, लेकिन संयुक्ता को क्यों बताया? हमें उसे हेल्प चाहिए, उसे सच बताना पड़ेगा। जाने दो, तुम्हें तुम्हारे पिताजी का नाम नहीं पता? वो मुझे नहीं पता, माँ से पूछना पड़ेगा। व्हाट? ए चित्रा,
लेकिन तुम्हारे सपने में तो एक आदमी की मौत दिखती है ना? सिर्फ ये सच है। सच में? Can we use your home for quiet practice? Of course. Feel free. Thank you. अरे यार, अरे यार, ये सब क्या अच्छी? ये सब घोस्ट वाले गाने? ये घोस्ट कहीं मुझे देखकर तो नहीं आ गया? मेरी सुंदरता देखकर मोहित तो नहीं हो गया वो? ए बेबी, हेलो, तुम्हें भी ये गाना सुनाई दे रहा है क्या? क्या पागलपन है यार? बेबी, हे बेबी, बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? हे बेबी, तुम्हें क्या सच में डर लग रहा है या फिर मुझे डराने के लिए ऐसे बैठी हो? वैसे मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, बाल बिखरा के बैठी हुई लड़कियों को छेड़ना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, यहाँ नहीं है, कहाँ चली गई? अरे बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेबी, तुम यहाँ खड़ी हो क्या? क्यों बेबी, तुम फिर से वहां जाकर खड़ी हो गई? क्या क्या क्या, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? अरे बेबी, बेबी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ अमेरिका छोड़ कर सीधा अपने गाँव भाग जाना पड़ेगा, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। हे राम, मेरी सुंदरता को देख के बंगले के अंदर भूतनियाँ आ गई। ये तीन और। अरे बाप रे, कि तुम्हें नींद में चलने की आदत है? मैं तो बाथरूम में गई थी, लेकिन तुम क्यों दौड़ भाग कर रहे थे? अरे यार, तुम बाथरूम करने गई थी, मुझे तो ऐसा लगा बर्मा वालों ने हमला कर दिया। ये सब जरूरी था क्या? तुझे बाथरूम जाना है क्या? वो तो मेरी पैंट पे हो गई। छी, पागल कहीं का। कौन है आप? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। ओ, तुम मेरे लिए नहीं आए हो? आई एम चित्रा। आई एम अनकंफर्टेबल, हाथ हटाएंगे प्लीज। क्यों? लड़कियों के घर के आगे फूल छोड़कर जाते हो, हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? देखिए, आप ऐसे क्यों बात करिए? मुझसे तू तड़ाक से कोई बात नहीं करता। आप अपना हाथ हटाइए, मुझे जाने दीजिए। ए, कहां जा रहे हो? इधर आओ। बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हां, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? देखिए, आप ऐसे लड़कों की तरह बातें मत कीजिए। ऐसे लड़कों की तरह बातें करेंगे तो कोई भी आपको लड़की नहीं मानेगा। आप समझ रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ? शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। समयो, समयो। ए, किसे बुला रहे हो? हाँ, समयो को क्या बुला रहे हो? राजेश। समयो, देखो ना, ये चित्रा, व्हाट हैपेंड? जो भी पूछना इसे पूछो। ही इज माय फ्रेंड राजेश, जाने दो। फ्रेंड है तो फ्रंट डोर से आना चाहिए, ऐसे बैक डोर से आएगा तो लोग चोर बोलेंगे इसको। हेलो मैडम, चोर किसे कह रही है? मैं बहुत पैसे वाला हूँ। तुम पैसे वाले चोर हो? अरे कौन है ये? हे कम ऑन, मैं संभालती हूँ चित्रा। पहले ये बताओ कि ये है कौन? एक नंबर की नकचढ़ी है, हमेशा गुस्से में रहती है। इसका नाम है चित्रा, मेरे साथ रहती है ये। ओह, बॉडीगार्ड है? तुम्हारी माँ ने इसलिए बुलाई होगी? अब समझा। इसे सिर्फ अपने साथ रहने के लिए यहाँ बुलाया है। ओहो। हम बाहर मिलेंगे, तुम जाकर इसे सॉरी बोलो। ओके। I'm sorry. I'm राजेश, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि संयुक्ता तुमसे इतना प्यार करती है। अगर कुछ गलत लगा हो तो सॉरी। One second, हो? Okay. चित्रा की कहानी कहाँ तक पहुँची? टीवी सीरियल के परिवार की कहानी की तरह है सर। Is it? इंडिया में तो हॉरर एंड सस्पेंस। हाँ, कम? हाँ, आ रही हूँ। और यहाँ तो मिस्ट्री एंड रोमांस। और अरे, मैं सह नहीं कर पा रही हूँ। रोमांस? हाँ सर, यहाँ आने के बाद एक नई कहानी स्टार्ट हो गई है। यहाँ संयुक्ता नाम की लड़की से प्यार कर रही है सर। क्या कहा, लड़की से प्यार? तुम प्यार करती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तुम्हें इंतजार करवाए, इसका मतलब वो तुम्हारे मन में रहता है। हे चित्रा, माँ बाप भी तो अपने बच्चे के लिए इंतजार करते हैं, आप बोलो। हाँ, उनके मन में बच्चे रहते हैं। हाँ, तो मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो इसका मतलब? ऐसा? हाँ, तो मैं भी तुम्हारे मन में रहती हूँ। हाँ? ए, मैंने प्यार कहा, तुम्हें चाहती हूँ नहीं कहा। तो प्यार का फॉर्मेट एक है, लेकिन एंगल डिफरेंट है। भूख लगे तो खा लो, दुख हो तो रो लो, और खुशी हो तो जाहिर करो, अंदर मत रखो। जाओ, जाके फोन करो। जा। थैंक यू।
हेलो राजेश, क्यों संयुक्ता कितना बिजी हो? मेरे लिए टाइम ही नहीं है। चित्रा के साथ थी। एंजल कौन है? एंजल राजेश। ओके कंटिन्यू। अच्छा वो परमिशन देगी तो ही बात करोगी क्या? प्लीज इसका गलत मतलब मत निकालो। मैं कहाँ गलत बात कर रहा हूँ यार, हमें मिले हुए एक हफ्ता हो गया, कॉल करता हूँ तो कट कर देती हो, घर में आने से भी मना करती हो, मुझसे ज्यादा वो क्लोज हो गई है क्या? ये बताओ कि वो तुम्हें एंजल क्यों कहती है? हा? क्या लगती है तुम्हारी फ्रेंड, कजन, सिस्टर? कुछ लोगों को देखकर कभी कभी कुछ अजीब सा फील होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से ना जाने तो भी उसके साथ जिंदगी भर रहने का मन करता है। अगर इसे प्यार कहें तो मैं उसे लवर कह सकती हूँ। लवर है? ओके ना, या और कोई डाउट भी है? एंजल। हाँ? Hey, any problem? Nothing. Okay. Let's go home. Come. मेरे मन में है तू, अति सुंदर तू, मेरे दिल में बस जा तू, मेरे दिल में बस जा तू, बस जाना दिल में बे। आ, ये क्या, जब मैं गाना गाता हूँ तो तुम थप्पड़ मारती हो? जानती हो मेरी टीचर लोग, वो लोग मेरा गाना सुन के घबरा जाते थे। कहाँ? सपने में? अमेरिका मिला होगा ना, तब भी वो इतना खुश नहीं हुआ होगा जितने खुश तुम आज हो रही हो, है कि नहीं? बेबी, नहीं बेबी, मेरी एक अकेली करता ना, छोड़ दो। अरे चित्रा, पागल हो गई हो क्या तुम? पागल हो गई कह रहे हो मुझे? इतने दिन से मैं पागलों की तरह इस लेक को ढूंढ रही हूँ, आज आज इन आंखों से मैंने इस लेक को ढूंढा है, आज इन आंखों से मैंने इस लेक को देखा है, यही वो लेक है, यही वो लेक है, यही वो लेक है। यहाँ पर उसने मारा था उसे। ये हम दोनों के प्यार की गवाही होगी। या मैंने उसे देखा था। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ चित्रा। ए नीलकंठ, ढूंढ ली मैंने वो जगह, वो लेक ढूंढ ली मैंने। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चित्रा। लेक ही नहीं, जिसने मर्डर किया उसको जानने तक मैं वापस नहीं आऊंगी। हार नहीं मानूंगी मैं। समझा दे उसे। ये लड़की एकदम पागल हो गई है, इसे खुद नहीं पता क्या कह रही है। चित्रा क्या कर रही हो वहाँ? सर्च एंड होता है और गेम शुरू होता है। गेम शुरू होगा, गेम शुरू होगा। तुम क्या सोच रही हो चित्रा? मैं केस रीओपन करना चाहती हूँ। चित्रा, वो लेक तुम्हारी कहानी में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। तो कभी कभी छोटी छोटी खुशियां जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। यहाँ 100 लेक्स में से तुम्हें लग रहा है कि ये वही लेक है जो तुम ढूंढ रही थी? इस लेक में 100 लोगों की ही जान गई होगी, ये क्या लॉजिक हुआ चित्रा? ये भी नहीं समझ पा रही हो तुम? ये अमेरिका है, यहाँ अटैचमेंट से ज्यादा एग्रीमेंट को वैल्यू दी जाती है, वो सिर्फ एक सपना है। मेरा सपना झूठ नहीं है। हम कहाँ कह रहे कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम उस सपने को सच करना चाहती हो चित्रा। हाँ चित्रा,
मैं दिन भर खाना बना के थक के सोने जाता हूँ तो ये लड़कियाँ ऊंची आवाज में टीवी चला के मेरा दिमाग खराब कर देती है। मैं तुझे तेरा अंत दिखाती हूँ। अरे मैं क्या कर सकता हूँ जब मेरा नसीब ही खराब है तो। ए, हम पहले से डरे हुए हैं, क्यों डरा रहे हो हमें? चित्रा हाँ? वहाँ क्या कर रही हो? मूवी देखते आ जाओ। अरे सोए हुए शेर को क्यों जगाती हो तुम? क्या हाँ? एक भूत कम है क्या? अरे बब्बन ये दुपट्टा तो उतारो यार। अरे यार इतनी रात को मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? इस बेबी से मेरा पिछले जन्म का लेना देना है। बक रहे हो? देखो ना लगता है मुझे ही डराने आई है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता। हाँ ठीक है लेकिन इससे थोड़ा सा डर लगता है। वैसे मैं डरपोक नहीं हूँ। तुम बोलो ना तो मैं नायग्रा फॉल में कूद के वहाँ से मच्छी पकड़ के लाने के लिए तैयार हूँ। पर इसकी बात अलग है, इससे बहुत डर लगता है मुझे। मार डालूंगी। तो तुम इससे इतना क्यों डरते हो? बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। आओ आप लोगों को बताता हूँ। बात दरअसल ये हुई कि एक दिन रात में बहुत तेज बारिश हो रही। रात गुजारने के लिए मैंने एक घर की बेल बजाई। सर वो कांदा भजिया खाने के लिए बाहर निकला था। आप लोग इंडियन हो? आप नेलूर वाले हो? वो क्या है ना कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप लोग अगर परमिशन दे तो मैं एक रात यहाँ रह सकता हूँ। यहाँ कोई जगह नहीं है। कोई बात नहीं सर, $50 तू तो। अगर इंडियन के दिल में जगह ना हो तो भी जेब में जगह जरूर होती है डॉलर के लिए। मेहमान तो भगवान होते हैं ना। बाप रे। देखो भाई इस घर में हम तीन लोग हैं और दो कमरे हैं। एक कमरे में हम दोनों रहते हैं और दूसरे कमरे में हमारी नौकरानी रहती है। अब तुम कहाँ रहोगे? अब नौकरानी के साथ तो रह नहीं सकते ना। सर मैं थोड़ा सोच सकता हूँ। अब एक मिनट बबन, रहने के लिए जगह मांगा तो मना कर दिया, पैसा दूंगा कहा तो अंदर आ जा बोल रहा है, सोने के लिए बोल रहे हैं पर पीने के लिए मना कर रहे हैं। ये ना कह के भी कुछ कहना चाहते हैं। देखो मेरी बात, मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। इनडायरेक्टली क्यों? डायरेक्टली बताना चाहिए ना कि बाहर बारिश है अंदर गर्मी, कुछ कमाल चाहिए तुम्हें। आ जाओ कंचक को कुछ चुम्मा चुम्मा दे दो। अरे रुको रुको रुको। अरे क्या आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अंदर दरवाजे में कुंडी नहीं है, बाहर से लॉक करना पड़ेगा। अब अंदर तुम चिल्लाओगे तो दरवाजा तो हम में से ही किसी को खोलना पड़ेगा। जी सच बात बताइए। आप समझा मैं? देखिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत चिल्लाने की आवाज आ भी जाए, लेकिन अगर चिल्लाने की आवाज आती है तो आप मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलोगे पक्का। ए क्या यार, ये कस्टमर समझ के कनेक्ट तो नहीं कर रही है? बाहर तो बहुत ही यहाँ एटीट्यूड दिखा रही है। इनकरेज मी। मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, तुम चुपचाप लेटी हो। आखिर जानती हो कि मैं कौन हूँ? रोज बब्बन, लोटस बब्बन, कजरा बब्बन, लीली बब्बन, ग्रीन बब्बन, इतने सारे बब्बन पैदा हुए। उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे रोमांटिक सा नाम दिया, कुंजुकू बब्बन। ए बात करो मुझसे यार। हेलो, ये इतनी ठंडी क्यों लग रही है? ओहो तो इसको गर्म करने वाला बॉलर मैं हूँ। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, 11 महीने में 11 तरीके से तुझसे प्यार जताऊंगा। अरे ये क्या, इनका पैर बंधा हुआ है? ओहो रोमांस करने का नया तरीका इजाद किया है। मुझे भी नए तरीके पसंद है, ऐसा रहे तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, एकदम मजा आ जाता है मुझे। आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दम दम। अरे ये क्या, अरे नहीं ये तो मेरा रेप कर रही है। बचाओ बचाओ मेरा रेप हो रहा है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, हमारी नौकरानी को मरे तो 4 घंटे हो गए। इसको मरे 4 घंटे हो गए। अरे मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। अरे दरवाजा खोलो, मैं टीचर से मुर्दे के साथ हूँ, मैं रोमांटिक सॉन्ग गा रहा था यार। ए दरवाजा खोलो, मुझे कुछ मत करना तुम। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। देखो 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 मैं डरवा नहीं रहा हूँ। देखो देखो तब से ही ना मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। वैसे मैं बाहर हूँ लेकिन अब डैव हो गया हूँ। डैव मतलब? हाँ डेविल्स अट्रैक्शन बॉडी। लड़कियाँ मेरी बॉडी देखकर पागल हो जाती हैं। कब आएगा ऐसे तड़पते रहती हैं। ठीक है माँ, लव यू। और एक खास बात बताती हूँ माँ, आप जब यहाँ आएंगी तो एक स्पेशल सरप्राइज इंतजार कर रहा है ना? वो सरप्राइज देखते ही आप एकदम चौंक जाएंगी। बाय मॉम। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। और अपने पिताजी से? मैं मेरे पिताजी के बारे में ज्यादा नहीं जानती, वो एक्सीडेंट में चले गए, लेकिन माँ ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि पिताजी नहीं है। अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने पिताजी को तो कभी नहीं देखा, बस हमेशा मम्मी के साथ रही हूँ। मम्मी को छोड़कर इतने दिन कभी नहीं रही मैं। अकेली रह पाई सिर्फ तुम्हारी वजह से चित्रा। मैं तुम में इंटरेस्ट ले रही थी, इसकी वजह भी मेरे पिताजी ही हैं चित्रा। हाँ चित्रा, वी आर अंडर द सेम ट्री। पिताजी नहीं रहे, जब से मैंने ये बात सुनी है तब से मैं तुम्हारे नज़दीक आती चली गई चित्रा। अच्छा सुनो चित्रा, तुमने अभी तक मुझे अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कुछ तो बताओ। हॉस्टल में पली बड़ी हूँ,
जरूरत पड़ने पर फ्रेंड्स के अलावा अपना कहने को कोई कभी रहा ही नहीं। चित्रा, चित्रा, देखो फोन आ रहा है। कोई कस्टमर केयर वाला होगा। अरे बात तो करके देखो चित्रा। हेलो बेटी चित्रा। मैं हूँ तुम्हारी माँ। चित्रा, माँ बोल रही है बेटा। कैसी हो बेटी? मैं बहुत खुश हूँ माँ। खाना खाया बेटा? हाँ खाना खा लिया। वो संयुक्ता तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रही है ना? बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है माँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम जो हासिल करना चाहती थी इस देश में आकर तुम्हें वो मिला क्या बेटा? संयुक्ता मेरे साथ रहेगी तो मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ माँ। बी हैप्पी चित्रा, आई एम विद यू। बोलो राजेश, मिलने के लिए बुलाया था? हाँ, मिले हुए बहुत दिन हो गए थे यार। हाँ राजेश, चित्रा के आने के बाद सारा वक्त बस उसी के साथ निकल जाता है। वैसे तुम क्या बताना चाहते थे? मैं बिजनेस ट्रिप में 2 सालों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ संयुक्ता, तो तुम शादी करके मेरे साथ चलोगी ना? तुम उसे शादी करोगी ना? राजेश मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है चित्रा। जब तक उसकी मंजिल नहीं मिल जाती मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। चित्रा, चित्रा क्या है संयुक्ता, हर बात में चित्रा जरूरी है क्या? छह, तुम उसे अपने से दूर क्यों नहीं कर देती? मेरी जिंदगी में राजेश नहीं तो चलेगा, लेकिन चित्रा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कितनी बार ये बताना चाहती थी पर तुम सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब बस बहुत हो गया राजेश, बाय राजेश। हे संयुक्ता, आई एम सॉरी संयुक्ता। संयुक्ता, हे संयुक्ता, संयुक्ता मुझे माफ कर दो यार। संयुक्ता, संयुक्ता सुनो तो, संयुक्ता सुनो प्लीज। संयुक्ता, हाँ उसे वहाँ होना चाहिए जहाँ मर्डर हुआ, मैंने उसे देखा था। सच में? वो देखो। हाँ चलो चलो। ए, चित्रा, यहाँ से चलते हैं। Let's go there. Excuse me, आप कौन है? I am manager of this restaurant. Okay. इस प्लेस में अरेबियन रेस्टोरेंट होना चाहिए, मैंने उसके सामने खड़े होकर एक मर्डर होते हुए देखा था लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दिया। अरेबियन रेस्टोरेंट? हाँ। मैं यहाँ 20 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ पर ऐसा नाम कभी नहीं सुना। मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हुई है, प्लीज यू कैन लीव। हाय ब्रो, कोई लड़की अरेबियन रेस्टोरेंट बोल के हमारे पास आई थी, उसके बारे में कम लोग ही जानते हैं, लेकिन वो बात इस लड़की को कैसे मालूम मुझे समझ में नहीं आया। ओके ब्रो, आई विल मैनेज। प्लीज मैडम, आप कुछ मर्डर की बात कर रही थी, मैंने सुन लिया था। इसके लिए फालतू में पुलिस प्रॉब्लम हो सकती है, वी कांट फेस इट। तुम्हारे ब्रदर कहाँ है? किस लिए? जो हेल्प तुम नहीं कर पाए शायद वो कर दे। चलो बेबी, ये सब क्या है? ऐसी सजा मुझे क्यों दे रही हो? मैं जानती हूँ स्कूल के जमाने में भी इतने सुबह नहीं उठता था, रात में मैंने जो शराब पिया वो मेरे पेट में जम के पत्थर बन गई है। तुम क्यों अपनी मनमानी करती जा रही हो, ये तो बताओ कि कहाँ जाना है। अरे ये क्या है भाई, माहौल एकदम गर्म हो गया है, तुम्हारी नजर की वजह से पेट में जमा बर्फ भी पिघल गया है। बेबी अगर तुम्हारी परमिशन हो तो जा के आऊं। जा। ओके बाय बेबी, बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको अंदर बुलाया है।
सॉरी फॉर यस्टरडे, इस बिजनेस में काफी राइवल्स होते हैं, इसलिए कल आपसे मेरा कल आपने क्या पूछा था कि इस लेक के पास एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम कभी अरेबियन रेस्टोरेंट था, पुराने ओनर से हमने ये रेस्टोरेंट खरीद लिया और अपने हिसाब से इसका नाम लव व्यू रख दिया। हमारे टेक ओवर के बाद इस लेक के पास कोई मर्डर नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि आप बताती हैं कि इसी लेक के पास आपने मर्डर देखा है, वो भी इसी रेस्टोरेंट में खड़े होकर के। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप पुराने ओनर के पास जा सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। सुपर कलेक्शन था ना यार, आई नेवर एक्सपेक्टेड सच डील। यू नो वन थिंग, आई वाज वाचिंग द कलेक्शन एंड इट वाज तेरी तो हसरा ऊपर से इतना रुक जा, निकल। एक तो गलत गाड़ी चला रहा है और ऊपर से छोड़ो उसे, हसरे छोड़ो जाओ तो। अरे छोड़ो छोड़ो उसे चित्रा, चित्रा चलो यहां से, छोड़ो मेरी खुशी नहीं करेगा। कौन है वो, हमें कुछ नहीं करेगा, तुम कैसे जानती हो? वो मेरा एक्स लवर है, कुछ महीने पहले ही हमारा ब्रेकअप हुआ था। क्यों? शुरू शुरू में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी, इसलिए मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। अब वो मेरे पीछे पड़ा रहता है और तंग करता रहता है। वो जब तुम्हें टॉर्चर करता है तुम शांत रहती हो? तो क्या करूं? वो टॉर्चर करता था ना, लेट्स टेक रिवेंज। जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देगी चित्रा, इसका तो नहीं पता। मैं अपने दुखों के बारे में सोचकर और उसमें डूबी रहूं तो इससे ना तो मेरी डेवलपमेंट हो पाएगी और ना ही मुझे जो थोड़ी बहुत खुशी मिलनी है उसे एंजॉय कर पाऊंगी। चित्रा, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है जानती हो? धोखा देने वाले लोगों को माफ करना। माफी का मतलब है हमें सबकी गलतियों को भूल जाना चाहिए, वरना हम इसी में फंस कर रह जाते हैं। इसलिए जिंदगी में दुश्मनी, गुस्सा, रिवेंज, इन सबको खत्म करने वाली एक ही चीज है चित्रा, वो है प्यार। जो पहले हो चुका है उसे याद करके हम हर किसी से दुश्मनी बढ़ाते रहे, इसमें भी कोई फायदा नहीं चित्रा। अहूरा मस्ता, मैं हूँ अहूरा मस्ता। एक समय अरेबियन रेस्टोरेंट मेरा था, लेक व्यू रेस्टोरेंट के ओनर ने फोन करके आपके बारे में बताया, ये लीजिए। नो थैंक्स सर। उस वक्त अरेबियन रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद मैंने उसे बेच दिया और अब रिटायर हो चुका हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारी बातें मुझे फेरी टेल स्टोरीज की तरह लग रही है, बस कोरी कल्पना। इसीलिए तुम कह रही हो कि तुमने वहाँ मर्डर होते हुए देखा। मेरी बात छोड़ दीजिए, जब आप वो रेस्टोरेंट चला रहे थे उस वक्त लेक साइड में हुए किसी मर्डर के बारे में बता सकते हैं? वैसे तो मैंने देखा था और कई लोगों से सुना भी था, उस लेक के पास एक जंगल था, उस जंगल में छोटी छोटी स्मगलिंग और मर्डर भी होते थे। उन दिनों लोगों को मार के जंगल में फेंक देना कॉमन बात थी। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऐसा कोई मर्डर जिसने सेंसेशन क्रिएट किया हो, वो पर्टिकुलर लेक के पास रैम्प के पास हुआ था। रैम्प साइड? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, सच बताऊं तो याद करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे कुछ डाउट है, अरेबियन रेस्टोरेंट के बारे में तो बहुत लोग जानते ही नहीं है, और तुम कह रही हो कि तुमने वहाँ मर्डर देखा है, जबकि उसे बेचे मुझे 40 साल हो गए। उस वक्त तो तुम पैदा भी नहीं हुई होगी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इसलिए तुम्हारी बातों पे यकीन करना मुश्किल है। अरे सुन, कहाँ गया था पागल? वो छोटी बेबी को सूखी मच्छी पसंद है ना, उसी को लेने के लिए मार्केट गया था। तुम सूखी मच्छी बनाओ या सूखा केकड़ा, ये जरूरी नहीं है, टाइम पर खाना बनाओ ये जरूरी है। क्यों, ये एक टाइम का खाना तुम बना सकती हो क्या? अब तू जवाब भी देने लग गया, फालतू बातें बंद करो, जाओ। कैसी लड़कियाँ ये, चल भाग। ये लड़कियाँ तो मुझे परेशान करके रख दी है, कहाँ फंस गया मैं। इमेजिन कर रहे हो क्या? क्यों, हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते क्या? मार नहीं सकते किसी को? जा रे खाना पका। हाँ पकाता हूँ ना, क्या करूँगा, पकाना तो पड़ेगा ही। एक समय था लड़कियाँ खाना पकाना सीखती थी, लेकिन मैं यहाँ तीन तीन लोगों का खाना पका रहा हूँ।
एक बात सुन लो, आज के बाद मैं खाना नहीं पकाऊंगा। मैं खाना भी पका रहा हूँ और बर्तन मैं मांज रहा हूँ, कपड़े मैं धो रहा हूँ, घर के सारे काम मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक बड़े होने के नाते यहाँ आया था और तुम लोग मुझे नौकर बना के रख लियो। बकबक बंद कर। अरे बकबक नहीं कर रहा हूँ, वो तो चने की दाल कैसी बनाऊँ ये पूछ रहा था। आज का मेनू क्या है? मुझे खा जाओ, मेरे ब्रेन का ना कोरमा बना के खा जाओ। चित्रा बेबी, आज इतनी शांत क्यों हो? खाना तैयार है, आओ खाना खाओ, उसकी थोड़ी बुराई कर लो। आ कपड़े दे रही हो, कोई बात नहीं, मैं धो दूंगा, ये भी धो दूंगा। अरे वाह, बिन मांगे ये भी दे दिया। अरे एकदम साफ कर दूंगा। इधर। अरे भाई तुझे मालूम है थर्ड वर्ल्ड वार जब होने वाला था, पता था कितना? अरे मेरी बात सुनो, वहां देखो इधर, तुझे पता नहीं है? एक अरे अरे बाप रे, खाना बनाता हूँ, कपड़े धोता हूँ। क्या बेबी, तुम जो काम बोलती हो वो मैं करता हूँ ना अपने आप, उसके बाद भी तुम मुझे चाकू मारोगी? तुम जानती हो अभी तक मैं कुआ रहा हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी नहीं हुए। तुम मेरे साथ ऐसा न्याय नहीं कर सकती, मैं भी इंसान हूँ, कितना काम करता हूँ। अरे मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? मैं पूरे घर का काम कर रहा हूँ और तुम हो कि चुपचाप बैठी हो। बाल ऊपर करो, मुझसे बात करो। ये चाकू बेबी, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है किसी ने वॉशिंग मशीन में डाल के मुझे धो दिया है। क्यों बेबी, तुम भी फॉर्म में आ गई हो? मैं रिटायर हो जाऊंगा। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों लेटे हुए हो? सुनो, चित्रा को देखा क्या? हाँ देखा ना, उसका विकराल रूप। क्या हुआ लैब? अभी क्या लैब, सब कूल हो गया, केमिकल इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तुम बकते रहो, मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं यहाँ पड़ा रो रहा हूँ और तुम लोग खाना खा रहे हो, हे भगवान बचा। तुम उस लेक के पास हुए मर्डर के बारे में जानना चाहती थी ना? हाँ सर। देखो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अब तक 4 मर्डर हुए हैं। एक फैमिली ने दूसरी फैमिली को प्रॉपर्टी के लिए मार डाला था, दूसरा एक लड़की को रेप करके बेरहमी से मार डाला गया था, बाद में उसे वहाँ पानी में फेंक दिया गया था, उसके बाद 2 बच्चे पानी में डूब के मर गए। चौथा केस खास तौर पे बताना पड़ेगा क्योंकि यह मर्डर नहीं एक्सीडेंट का केस था। सुना ना, मर्डर नहीं एक्सीडेंट। एक्चुअली वो बहुत पैसे वाला था, इसलिए ये केस उन दिनों बहुत हाईलाइट हुआ, और खास बात यह है कि वो इंडियन ब्रीड था। हा? कौन है वो? कहाँ रहता था वो? कब मरा वो? कहाँ रहता था? कुछ तो बताइए उसके बारे में। तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, वो कौन था, उसका नाम क्या था, ये सब तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो एक हीरे का व्यापारी था। शराब के नशे में होने के कारण उसका सर पत्थर से टकरा गया और उसकी मौत हो गई थी। उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, आप कुछ बताएंगे? उस समय उसकी तस्वीर हर न्यूज़पेपर में छपी थी। अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो उस वक्त के न्यूज़पेपर को ढूंढो, शायद वो न्यूज़पेपर तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Come on.
रवि वर्मा, रवि वर्मा, रवि वर्मा, हाँ, रवि वर्मा, यस, रवि वर्मा, रवि वर्मा, आई फाउंड यू, तुमने मुझे जिता दिया, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढा है तो मैंने जिताया है, सर समियो, समियो, ये देखो, यही है मेरा हीरो, यही मेरे सपने में आता था, यही है, ये तुम्हारे सपने में आता था, हाँ, ये है मेरा गवाह, मेरा सबूत, ये मेरे सपने में आता था, ये मेरे सपने में आता है, लेकिन तुम्हारी मौत कैसे हुई ये राज मैं ढूंढ के रहूंगी, मैं ये खेल खत्म करके रहूंगी, खत्म करके रहूंगी खेल। रवि वर्मा, पद्मनाभ लेक व्यू पैलेस का लास्ट लीगल हेड। ये तो बहुत साल पहले पानी में डूब के मर गया था, आपने पढ़ा नहीं क्या? मैं यकीन नहीं करती, वो एक्सीडेंट नहीं था, उसे मारा गया था। मैं उसका केस रीओपन करने आई हूँ। रवि वर्मा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, वो प्री प्लान मर्डर था, मैं उसकी गवाह हूँ। तुम बिजी हो तो बगल के ऑफिसर से बात करूँ? ग्रेट, आपने तो साबित कर दिया, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब यकीन कर लो, यही ठीक है। या मैं पूरी तरह से बिलीव करता हूँ, ये केस किस तरह से और स्ट्रॉन्ग होगी इस बारे में हम प्लान करेंगे। क्या हम शाम को मिल सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? नो प्रॉब्लम, सी यू देयर। कोई चित्रा आई है, इंडिया से आई है, रवि वर्मा मरा नहीं है बल्कि उसका मर्डर हुआ है, ये कह के केस रीओपन करना चाहती है। पर मैंने केस ओपन नहीं किया है, मैं शाम को उससे मिल रहा हूं। हाँ, ओके, वेलकम चित्रा। क्लाइमेट देखो कितना कूल है, क्या हम कॉफी पीकर बात कर सकते हैं? यहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया है, यहाँ की कॉफी पीने के बाद लड़की से रिलेशन बैड कॉफी तक रहता है, पियोगी क्या? मुझे कॉफी पीने की आदत नहीं है, केस के बारे में डिस्कस करें तो अच्छा है। क्यों, नाइट में किसी को अपॉइंटमेंट दी हो क्या? ओके ओके कूल, तुम क्या बताओगी, रवि वर्मा नदी में डूब कर नहीं मरा, किसी ने मारा है ये बताओगी क्या? हाँ। रवि वर्मा, रवि वर्मा, रवि वर्मा, वो रवि वर्मा तेरा क्या लगता है, बाप, फ्रेंड, या तुम्हारी माँ को रखेल बनाकर उसके पेट में बच्चा देकर भागा है क्या? उस आदमी के बारे में क्या सोच रही हो जो मर गया है? अरे सोचना है तो मेरे बारे में सोचो। ए, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, क्या समझती हो? ओ, तो तुम जानते हो, मुझे लगा था मैं अंधेरे में पत्थर मार रही हूँ, बराबर टारगेट पे लगा है। ए, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती हो। कौन लोग हैं उसकी मौत के पीछे? हाँ जानता हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं बताऊंगा। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पागलों को कैसे काबू किया जाता है ये मुझे अच्छे से मालूम है। अरे रेप करते समय तो लड़कियां चिल्लाती हैं, लेकिन तू तो हंस रही है। अब क्या करेगी तू? कितने लोगों को पानी पिलाया पता है? तू मुझे पानी पिलाएगा? रियल शो क्या है मैं दिखाती हूँ तुझे, आ जा। चित्रा, चित्रा नहीं, पता पता कौन है तेरे पीछे और कौन है उस मौत के पीछे? जब तक मैं उनको बाहर नहीं लाऊंगी ये चित्रा चैन से नहीं सोएगी। किच्याक,
ये देखो वो आर्च। सोनिया, मैंने सपना में रवि वर्मा को देखा था, वो यहाँ, वो यही रहता था। लेकिन तुम यहाँ के बारे में कैसे जानती हो? मतलब तुमको पहले से पता था और तुम लोग मुझे धोखा दे रही थी। हमने तो सिर्फ ये जगह छुपाई, तुमने तो पूरा रिलेशनशिप छुपाया है। रवि वर्मा तुम्हारे पिताजी हैं, झूठ है ना? रवि वर्मा मेरे पिता नहीं है, ये तुम कैसे जानती हो? क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं। संयुक्ता, तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, एक बच्ची की तरह तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। तुमने मेरी बहुत केयर की है और कितनी बार तुमने मुझे सपोर्ट भी किया, इसलिए तुम मेरी जान हो। आई लव यू। समयू, किसी ने कहा था माफ कर देना, गलतियों को भूल जाना, लेकिन तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। समयू, हर आदमी मुझसे यही पूछता है कि मरे हुए आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। सुनो, एक मुसीबत से बचने के लिए अगर मैंने किसी वर्ड का इस्तेमाल किया तो उसे स्वार्थी नहीं कह सकते। मेरी जान चली जाती तो? अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। जो मरा वो किसी का भी पिता हो सकता है, लेकिन जो हुआ वो मर्डर था। फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की, तो आई एम सॉरी। हम दोनों के बीच कभी भी सॉरी बोलने जैसा दिन नहीं आना चाहिए चित्रा। हेलो सर। हाँ बोलिए। चित्रा, केस में हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मालूम पड़ी है। कैसी बात? चित्रा की कुंडली का ताम पत्र वैदेश्वर मंदिर में महाशिवनाड़ी में मिलेगी, ये बात स्वामी जी ने बताई। हाँ तो आप भी हमारे साथ आए तो अच्छा रहेगा। व्हाट? आप जानते हैं मैं ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करता। अब तक चित्रा के केस में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। आप चित्रा के लिए नहीं, कम से कम हमारे सपोर्ट के लिए तो आ ही सकते हैं। गुरुजी, मैंने जिस लड़की के बारे में आपको बताया था उसी के बारे में जानने के लिए आए हैं। उस लड़की की रेखा से जुड़े हुए तामपत्र भगवान की कृपा से महाशिवनाड़ी में मिला, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। माँ के चले जाने के बाद मेरी पिताजी से ही अटैचमेंट थी। मेरी मौसी मालविका देवी, जो मेरी माँ की बहन थी, मेरे पिताजी मेरी मौसी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। सुनो चित्रा, पिताजी की मौत के बाद मौसी दिल से कमजोर हो गई। शी इज मेंटली अनकॉन्शियस नाउ। अक्सर वो मुझे भी नहीं पहचानती। अगर वो कुछ तुम्हें गलत कह दे तो प्लीज बुरा मत मानना, प्लीज। ओम नमः शिवाय, पार्वती परमेश्वर पाद पद्मम। उसका जन्म महानक्षत्र में हुआ है। नहीं स्वामी जी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। नहीं है। वो लोगों को शिक्षा देती है। हाँ स्वामी। वो इस समय विदेश में है। हाँ स्वामी जी। वो लड़की? कोई बात नहीं, बताइए स्वामी जी। वो लड़कियों से बहुत प्रेम करती है। जी स्वामी जी। इस लक्षण वाली लड़की का नाम मौसी, आपसे मिलने मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं, उन्हें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्हें बता दीजिए ना मौसी। चित्रांगदा। देखो ना, आपसे मिलने बहुत दूर से आए हैं। बिल्कुल सही कहा स्वामी। चित्रांगदा कुंभ लग्न है, हमेशा बेचैन रहती है, बहुत ही जिद्दी है, वो लड़कियों से बहुत प्रेम करती है। अब मैं आपको चित्रांगदा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। बताइए स्वामी। मौसी, आपसे मिलने ये लोग इंडिया से आए हैं, पिताजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। रवि वर्मा, रवि वर्मा, रवि वर्मा, रवि वर्मा। चित्रा, रवि वर्मा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो से। चित्रा, 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 रवि वर्मा, रवि वर्मा,
पूर्व जन्म? पूर्व जन्म? चित्रा का पूर्व जन्म क्या है? पूर्व जन्म रवि वर्मा। मतलब चित्रा पूर्व जन्म में आदमी थी? हाँ, भारत देश से सात समंदर पार एक संपन्न वंश का वारिस था रवि वर्मा। चित्रा का ये जन्म उसी रवि वर्मा का मौत का बदला लेने के लिए हुआ है, इसलिए वो इस जन्म में अपने खूनी को ही ढूंढ रही है। उसका मरण नक्षत्र और उसका जन्म नक्षत्र एक होने की वजह से अपने पूर्व जन्म की सभी बातें अभी तक इसे याद हैं। और कब तक याद रहेंगी ये कहना किसी का भी फिंगरप्रिंट्स लेकर डेटाबेस चेक करके उसका नाम और गांव जाना जा सकता है, और तुम लोग वही करके लोगों को बेवकूफ बनाकर नाटक करते हो। तुम सबको चीटिंग केस में बुक करें तो तब पता चलेगा और तुम्हारी पूरी कुंडली निकल जाएगी। पर ये तो गलत है। क्या गलत है? कहाँ है तुम्हारा महागुरु? चित्रा, सॉरी चित्रा, उन्हें किसी भी ट्रीटमेंट से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें देखते इस तरह से बिहेव करने लगी, शॉकिंग था। इस लड़की के बारे में जानना है, पूर्व जन्म के बारे में। एक इंसान के जीवन में दो सच होते हैं, जिंदा या फिर मौत। अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर दूसरे के शरीर में कैसे आ सकती है? किसी का जन्म लेना फिर मर जाना, जन्म लेना मर जाना फिर से जन्म लेना, यही है सृष्टि चक्र। मौत शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब तक तुम आत्मा पे विश्वास नहीं करोगे मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा। मुझे इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए, सबूत चाहिए। शांति देवी, 1930, दिल्ली। 4 साल की उम्र में उसे अपना पूर्व जन्म याद था। उसने बताया कि मदुरा में उसके पति और बच्चे हैं। ये सुन के सबको बहुत आश्चर्य हुआ। एक दूसरे केस में केदारनाथ की पत्नी लुबरी देवी को भी अपना पूर्व जन्म याद था। इस हिंदुइज्म की बात पे विश्वास के कारण ही महात्मा गांधी ने एक कमेटी की मीटिंग रखी थी। इसी बात को वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डीन इवन स्टीवनसन ने रिसर्च करके साबित किया था। साउथ एशिया में 6000 केसेस ऐसे थे जिनमें 2000 लोगों ने अपना पूर्व जन्म भारत में लिया। अंग्रेजों ने यह बात साबित की तो आप सब भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बातें सदियों से कही जा रही हैं, इस पे किसी को भरोसा नहीं है। अगर गोरा कहेगा तो आप मान लोगे, विदेशों में जाके PhD करेंगे, यही तो अपने देश का दुर्भाग्य है। मैंने भी पूर्व जन्म के बारे में सुना है, लेकिन चित्रा का केस बहुत ही विचित्र है, क्योंकि पहले जन्म में आदमी और दूसरे जन्म में लड़की, ये कैसे हो सकता है? जेंडर चेंजिंग रीइनकॉर्नेशन, इट्स पॉसिबल। चुआई पिंगपेंग, थाईलैंड का बच्चा, 4 साल की उम्र में खेलते हुए डूब के मर गया था। उसके बाद उसने लड़की के रूप में जन्म लिया और अपनी सारी बातें बताई। त्रेता युग में राम की सुंदरता को देखकर मोहित हुए बहुत से महर्षि, द्वापर युग में गोपिकाओं के रूप में उनका जन्म हुआ और वो कृष्ण की लीला में उनके भागीदार बने। वसाम सिजेदनानि यदा विहायम नवानि गृहनाति नरोपाराणि। जैसे इंसान पुराने वस्त्र को निकाल के नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है, यही है रीइनकॉर्नेशन की परिभाषा। भगवत गीता पे भरोसा नहीं करते हो, लेकिन गांधी जी ने जब वही बात कही तो भरोसा करते हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा, कुछ भी हो सकता है स्वामी। तुम डॉक्टर हो ना, रिपोर्ट देख के ही भरोसा करते हो। पहले चित्रा के बारे में जान लो, ये कुंडली एक मौत लाएगी, जाकर उसे बचा लो। चित्रा को हम इंटरमीडिएट से जानते हैं, वो खुले विचार की थी, सबसे मिलजुल कर रहना उसे पसंद था, इसीलिए हम उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। तो फिर चित्रा की पढ़ाई? एक स्पॉन्सर से उसकी पढ़ाई हुई थी। चित्रा एक बहुत अच्छी पढ़ने वाली लड़की है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मदद मांगी तो मैंने चित्रा की पढ़ाई का इंतजाम करवा दिया, बस, और मैं कुछ नहीं जानता। आपसे मदद किसने मांगी थी? वो एक जेलर थे। जेलर? आप चित्रा की बात कर रहे हो ना, आप उसे आम लड़की समझते हो, शायद आपको पता नहीं कि उसने क्या किया है। तुम्हें पराए आदमी के साथ सोते देखकर वो तुझे छोड़ के चला गया और इसीलिए मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। तुम किससे बातें कर रही हो? उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए तब मैं दुखी नहीं हुई थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। आइंदा ऐसी बातें की ना तो मार डालूंगी। बच्ची समझ के तुम्हें छोड़ती आई हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें बढ़ती जा रही है। कौन किसकी माँ, कौन किसका बाप? आठ साल में चित्रा ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया था। ये लड़की आपकी बेटी है क्या? नहीं सर, ये लड़की मेरी बेटी नहीं, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। और इस तरह से उसे जुवेनाइल होम में रख दिया गया, लेकिन वो वहाँ भी आम लड़कियों की तरह नहीं रहती थी। A4 B4 C4 D4, ये क्या काम कर रही है, देख रहे हैं आप उसे?
मैं उसे पनिश करूंगा। लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, उसके बिहेवियर में बदलाव आए इसलिए उसे एक फादर के पास रखा गया ताकि वो उसकी देखरेख कर सकें। अगर आप उसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो फादर इग्नोसिस के पास जाइए। चित्रा, मिस्टीरियस गर्ल। अरे हम घर आए ना हमारे स्वागत के लिए, बस तुम चलो। यहाँ एक लाफिंग बुद्धा होना चाहिए था। लाफिंग बुद्धा? वो तो बचपन में खेलते हुए टूट गया था। लेकिन एग्जैक्टली इसी जगह पर वो बुद्धा था तुम्हें कैसे पता? लग रहा है तुम तो इस घर के बारे में सब कुछ जानती हो। वो वास्तु के लिए यहाँ रखते हैं इसलिए पूछा था। ओ अच्छा। चलो। ए चित्रा, चित्रा क्या सही निशाना यार तुम्हारा। आदतें कुछ लोगों में अपने आप आ जाती हैं। माँ, मैंने कहा था ना ये चित्रा सुवर्णा। नमस्ते आंटी। हाय, आई एम शालिनी देवी, नाइस टू मीट यू। आपके बारे में मेरी बेटी बता रही थी, उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा आपने। मेरे बिना वो एक दिन भी अकेले नहीं रहती थी, लेकिन इतने दिन कैसे रह गई आश्चर्य की बात है। आपकी वॉकिंग स्टाइल देखी राजा की तरह लगी मुझे। राक्षस की तरह चलती हूँ ऐसा भी कहते हैं। यद्धावम तद्दवते। हम सामने लोगों को जैसा देखना चाहते हैं वो वैसे ही दिखते हैं। प्यार बढ़ाना या दुश्मनी, ये सब हमारी आंखों का धोखा है। आपकी आंखों में मैंने अपने लिए देखा है। हाँ, क्या देखा तुमने? पहली नजर में हम लोग बहुत करीब हो गए हैं। सही कहा, हम दोनों का जन्मों का बंधन लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली exactly, मुझे भी इसे देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगा था। वो आपसे उम्र में बहुत छोटी है, आप इसे आप क्यों कह रही हैं? किसी की इज्जत उम्र से नहीं बल्कि अवकाश से तौली जाती है। अच्छा चित्रा, मैंने सुना तुम वाइजाग से आ रही हो। कहाँ वाइजाग, कहाँ अमेरिका, सात समुन्दर पार करके आई हो मेरे पति के बारे में जानने के लिए। तो मेरे पति का और तुम्हारा जरूर कोई ना कोई संबंध होगा। क्यों? वाइजाग क्या है? मौत आ जाए तो भी रवि वर्मा के कातिलों को पकड़ के रहूंगी मैं, क्योंकि ये सिर्फ रवि वर्मा की मौत नहीं है, चित्रा की एग्जिस्टेंसी भी है। करेक्ट। केस रीओपन कराना चाहती हो क्या तुम? ऑलरेडी क्लोज केस को ओपन करके तुम जीत जाओगी ऐसा सोचती हो? जीत और हार एक लड़की की तरह है। जीत माशूका की तरह होती है जो सबसे नजरें चुरा कर प्यार करती है, और हार चोट खाई हुई माशूका की तरह है, चार लोगों के बीच में आकर थप्पड़ मारती है। देखते हैं इस बार प्यार मिलता है या फिर थप्पड़ मिलता है। ओके, ऑल द बेस्ट। इस बात में तो मैं चित्रा को फुल सपोर्ट करूंगी। लड़कियां हमेशा पिताजी को सपोर्ट करती है। वो इसके पिताजी का केस है ना, उसे सपोर्ट देना चाहती है। जरूर देगी। मुझे तो आपका सपोर्ट चाहिए। ओ श्योर, जरूर मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बेटा इन्हें अंदर ले जाओ, आइए। देखा मैडम, चेतना नाम की लड़की इंडिया से आकर रवि वर्मा के केस के बारे में पूछती है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी। वो देखते देखते घर तक पहुंच गई और आप कुछ नहीं कर पाई। अगर उसी दिन उसे मार दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। मुझे पता है, चित्रा रवि वर्मा के मौत के बारे में जानने के लिए नहीं आई। वो रवि वर्मा ही है, चलने की स्टाइल, वो बातें, इसमें रवि वर्मा नहीं दिखाई देता। Thank you.
आंटी, रवि वर्मा की आत्मा चित्रा में घुस गई है क्या? आत्मा शरीर में घुसने के लिए इतने साल नहीं लगाती, रवि वर्मा ही चित्रा बन के पैदा हुआ है। जीत हार एक लड़की की तरह होती है। एक जीता हुआ इंसान खुशी से आकर के लोगों से गले मिलता है। जीत मौशुका की तरह होती है और हार चार लोगों के सामने लाफा मारती है। रवि वर्मा का पुनर्जन्म चित्रा है। रवि वर्मा उसे मारने वाले को, मतलब मुझे मारने के लिए चित्रा का रूप लेके आया है। I love you. Happy birthday, रवि वर्मा। शालिनी, अभी क्या करना है शालिनी? समझ गया, वो तुम्हारे हाथों से मरने के लिए पैदा हुआ है। सर, चित्रा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं ऐसा लगता है। वो चित्रा के साथ कुछ बुरा कर सकते हैं सर। करने दो सुवर्णा, वो जाल में फंस गई तो क्या करें? तो फंसने दो ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, आप चित्रा को पसंद नहीं करते क्या? मैं इस चित्रा को पसंद नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो जीत जाए। कॉफी तो हम गर्म पीना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सारी गर्म चीजों को पसंद करते हैं? कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट्स की सफलता के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। तुम टेंशन मत लो सुवर्णा। आपको फादर बुला रहे हैं। अच्छा सुनो, फादर बुला रहे हैं, बाद में बात करेंगे। आओ चित्रा, आज इनका बर्थडे है। बर्थ नहीं, डेथ एनिवर्सरी है। ऐसा समयू ने बताया, कुछ बात करने के लिए बुलाया था। हाँ, यहाँ नहीं, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट प्लेस लेके जाऊंगी, वहीं बातें करेंगे। ओके, मैं जाके समयू। नो नो, सिर्फ हम दोनों। ओह, तो वहां जाके फाइनल टच देना है। फाइनल टच देना है। बचपन से ही चित्रा बाकी बच्चों से अलग थी। राजा महाराज की तरह जीने वाला था, मार डाला उस डायन ने, धोखा दिया मुझे। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक कैथलिक होने के कारण मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन एक फादर होने के कारण उस बच्ची की तकलीफ मुझे दिख रही थी। चित्रा बचपन से ही जानती थी कि उसे किसने मारा है, उसे ढूंढ के मारना ही उसकी जिंदगी का लक्ष्य है। फादर, वन मिनट। कम ऑन, जल्दी फोन उठाओ सुवर्णा। हेलो सुवर्णा, तुम जाकर चित्रा को रोको। क्या हुआ सर, सच में चित्रा खतरे में है क्या? चित्रा खतरे में नहीं है, चित्रा ही खतरा है। शी इज अ कोल्ड ब्लडेड गर्ल। सर आप क्या बोल रहे हैं? चित्रा स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है। तो ये चित्रा का पूर्व जन्म है, चित्रा और कोई नहीं रवि वर्मा है। हा? और वो ये बात अच्छी तरह जानती है। हम ये सोच रहे थे कि वो हमारी बातों में आ गई है, लेकिन वो हमें बेवकूफ बनाकर अमेरिका चली गई। चित्रा अपने सपनों की वजह से अमेरिका नहीं गई, बल्कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए अमेरिका गई। उसने हमें इमोशनल करके यूज किया और अपना बदला लेने के लिए वहाँ चली गई। चित्रा की वजह से जान जा सकती है सुवर्णा, तुम जाओ और जल्दी जाकर उसे रोको। ओके ओके सर। ए कुंजुकू। सर मेरा नाम गजरा है सर। कुंजुकू कहाँ है? चित्रा से मार खाने के बाद वो भाग गया है सर। चित्रा एक को मारेगी और जिसको मारने वाली और कोई नहीं, संयुक्ता की माँ शालिनी देवी है सर। ओह माय गॉड, मुझे ये बात संयुक्ता के घर जाते समय पता चली थी सर। ये बात मैं संयुक्ता के घर बताने गया तो चित्रा नहीं दीदी गलत है ऐसा बोला। बेचारी संयुक्ता, पता नहीं क्या होगा उसका। नहीं, नहीं, नहीं। तू बताएगा? नहीं, नहीं, मुझे नहीं। सबको बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। सबको सब कुछ बताएगा? मुझे नहीं, मुझे क्या बताएगा? मुझे बताओ, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। संयुक्ता के लिए शालिनी देवी को बचा लीजिए सर। शिट। सुवर्णा, चित्रा के हाथों बनने वाली कोई और नहीं, शालिनी देवी है। चित्रा जो करना चाहती है वो करके ही रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये मर्डर हम सबके सिर पे आएगा। हमें ऐसा नहीं होने देना है, शालिनी देवी को किसी भी तरह बचाना होगा। मैं अभी के अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, तुरंत।
चित्रा, मैंने कहा था ना यही वो इम्पोर्टेंट प्लेस है। देखो चित्रा, ये तुम्हारी समाधि है, अब तुम्हारे चाहने वाले रवि वर्मा की समाधि। क्यों चित्रा मौन हो गई? जिसके लिए यहाँ आई उसे सामने पाके भी कुछ नहीं कर पा रही हो, इस बात का दुख है क्या? वो तुम जिसे ढूंढने आई हो, मेरे पति की समाधि तुम्हारी आंखों के सामने है तो भी कुछ नहीं कर पा रही हो। ठीक है, यहाँ क्यों आई हो? न्याय के लिए या बदला लेने के लिए? दोनों में क्या फर्क है? न्याय को समाज में तारीफ मिलती है, बदले से सिर्फ तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम्हें क्या चाहिए? न्याय के साथ बदला। ठीक है छोड़ दो। रवि वर्मा के माँ बाप तुम्हारे सपनों में आते थे क्या? नहीं। रवि वर्मा की पत्नी और बच्ची? नहीं। रवि वर्मा की मौत का सबूत है? रवि वर्मा की मौत नहीं हुई। सच है? क्या सोचती हो, मेरा पति अच्छा इंसान था? इतना अच्छा इंसान कि दोबारा जन्म लेके बदला लेने आया है ना? अरे कब तक तुम नाटक करते रहोगे रवि वर्मा? अपना ये नाटक बंद करो तुम। मुझे पता है तुम मेरे पति का दूसरा जन्म हो, मैं जानती हूँ। तुम मुझे मारने के लिए आए हो, ये भी मैं जानती हूँ। तो सब कुछ जानकर ये ड्रामा क्यों कर रही थी? सिंपति के लिए ना? तुम कितना भी ड्रामा कर लो, मैं तुम्हें मारे बिना छोड़ूंगी नहीं। तुझे मारने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली है। दुनिया भर की बेइज्जती सही है सिर्फ तुझे पकड़ने के लिए। तेरे लिए मैंने अपने आप को भुला दिया। मैं जानता था कि मैं दूसरा हूँ, लेकिन वो दूसरा रवि वर्मा है ये जानने के लिए मुझे 15 साल लग गए। राजा की तरह रहने वाला मैं, मुझे मारकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम माँ बनने वाली थी ये सोचकर मैं कितना खुश था, लेकिन मेरे बच्चे से दूर करके तुमने मेरे प्यार को गला घोट दिया। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तुम्हारे बदन का एक एक खून का कतरा बहाकर अपनी समाधि का अभिषेक करूंगा। जो गलती मैंने की वो तुम मत करो रवि वर्मा। हम दोनों ने साथ में कितने अच्छे दिन बिताए हैं, तुम्हें वो याद नहीं? पर मैंने तुम्हें मारा वो दिन तुम्हें याद है? लेकिन तुम्हें मारने का कारण तुम ही हो रवि वर्मा। तुम जानते हो रवि वर्मा? बताऊं क्या मैं? सुनोगे तुम? इंडिया से यहाँ अमेरिका में आके डायमंड के बड़े व्यापारी बने थे चंद्र प्रताप वर्मा। उनका इकलौता बेटा था रवि वर्मा, पद्मनाभा लेक व्यू का मालिक। रवि वर्मा। ज्यादा पैसा होने के कारण अहंकार भरा था इस इंसान में। इंसानियत के बारे में तो जानता ही नहीं था। सारी बुरी आदतें भरी हुई थी। वैसे कहा जाए तो गलत आदतों का दूसरा नाम रवि वर्मा था। जब ये ज्यादा खुश होता था तो स्विमिंग करता था। रवि वर्मा। इसकी खास आदत एक और थी, लड़कियों से मस्ती करना। इसकी पसंद की अगर लड़की मिले तो उसे घर ले जाकर उसके साथ मस्ती करता था वो। ताजी ताजी लड़कियां कभी नहीं छोड़ता ये रवि वर्मा। रवि वर्मा। बेटा जितनी भी गलती करे तो क्या, इकलौता बेटा है सोच के चुप रह जाते थे प्रताप वर्मा। मैं और मेरी बहन अनाथ थे। प्रताप वर्मा हमें दूर के रिलेटिव बोल के इंडिया से यहाँ ले आए, लेकिन हमें यहाँ लाया हम पे रहम करने के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवार की इज्जत बचाने के लिए। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे ये बात समझ भी नहीं आई। आ जाओ, मुझसे नखरे करती हो तुम? गुड़िया के साथ सिर्फ खेल खेलने वाला नहीं है ये रवि वर्मा, बल्कि उसके साथ मस्ती करता है ये रवि वर्मा। लड़कियों को नीचा दिखाने वाले रवि वर्मा से मैं बचपन से ही नफरत करती थी। पैलेस में हमें बचाने वाला प्रताप वर्मा, उसकी दया से हम वहाँ रहते थे। मैं और मेरी बहन वहीं बड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पाला मेरी बलि देने के लिए ये बात मुझे समझ में आ गई। तब मैं बहुत दुखी हुई। अपने बेटे से शादी करने के लिए विनती किया प्रताप वर्मा ने, और मैं मना नहीं कर पाई। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और रवि वर्मा से शादी कर ली। लेकिन पिता की बात मान करके शादी करने वाले रवि वर्मा का भयानक रूप मैंने सुहागरात में ही देख लिया था।
क्यों रे, नौकरानी बन के आई और मालकिन बनना चाहती हो तुम? हर रोज मुझे एक लड़की चाहिए, लेकिन जिंदगी भर किसी एक लड़की के साथ नहीं रह सकता मैं। रवि वर्मा नाम है मेरा, रवि वर्मा नाम। कोई भी औरत ये सहन नहीं करती, लेकिन मैंने अपनी बहन के भविष्य के लिए सब कुछ सहन किया। कहीं मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग न जाऊं, इस डर से मेरे ससुर जी ने दोबारा गलती कर दी और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दी। उस दिन रवि वर्मा, प्रताप वर्मा, जायदाद उसे और जिम्मेदारी मुझे सौंपना चाहते हैं आप? सब कुछ बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं मैं। नर्क दिखा दूंगा मैं आपको, नर्क। मैं सर नहीं झुकाता बल्कि सर काट लेता हूं। नहीं नहीं पिताजी को। चल हट। ओके बस। क्या रे, तुमने तो सारी जायदाद ही हड़प ली। कमाल की औरत हो तुम तो, मानना पड़ेगा मुझे तुम्हें। रवि वर्मा, बहू को कुछ मत बोलना। अरे रे 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 रे, एक दूसरे से प्यार करते हो ना? पिताजी मुझे एक डाउट है, ये मेरी पत्नी है या आपकी रखेल? शादी मेरे साथ और मजे आपके साथ। Hey, मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे बेटे नहीं हो, लेकिन तुम तो एक अच्छे इंसान भी नहीं हो। जीत और हार लड़की की तरह होती है। जीत एक दिल दिए लड़की की तरह अकेले आकर खुशी से गले मिलती है, लेकिन हार दिल टूटी हुई लड़की की तरह चार लोगों के सामने आकर लाफा मारती है। तुम जीत गई हो ये सोचकर खुश मत होना, मैं हार गया ये सोचकर मैं दुखी भी नहीं हूँ। मौत को भी मौत देने वाला इंसान हूँ मैं। रवि वर्मा नाम है मेरा, ये सब कुछ मेरा है। इस तरह बोल के रवि वर्मा वहाँ से चला गया। उसके बाद पिताजी के मौत पे भी नहीं आया, लेकिन अचानक एक दिन वो वापस आ गया। मुझे माफ कर दो शालिनी, मैं अनाथ हो जाऊंगा। अगर तुम भी मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं इंसान नहीं जानवर बन जाऊंगा शालिनी, प्लीज। मेरे दिल ने उसकी बातें मान ली, मैंने यकीन कर लिया उसकी बातों का, और उसके प्यार की वजह से मैं उसके नजदीक चली गई। लेकिन मुझे डाउट था कि वो प्रॉपर्टी के लिए वापस आया है। मैं उसे प्रॉपर्टी वापस करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो प्रॉपर्टी के लिए वापस नहीं आया था, बल्कि मेरी बहन के लिए वापस आया था। ये समझने से पहले ही जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। hey, रुको। मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा था, आज वो वक्त आ गया भाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस्तेमाल कर रहा है, ये देख के मैं सहन नहीं कर पाई। ये आपने क्या किया? तुम तो सब जानती हो, आप भी पिताजी की तरह हो। तुमने तो मेरे पिताजी के साथ यही किया था। ये आप कैसे बातें कर रहे हो उसकी जिंदगी के बारे में? ए, क्यों बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें? इंडिया से सिर्फ यही एक चीज तो लेकर आई थी तुम। अगर मैंने एक दिन इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरी करोड़ों की जायदाद तुम्हारे नाम हो गई, इस बात की क्या मुझे तकलीफ नहीं हो रही होगी? ये दर्द मैं रोज महसूस कराने के लिए यहाँ पर आया था। तुम्हारी आंखों के सामने ही जब तुम्हारी कोई चीज इस्तेमाल होती है तो फिर तकलीफ होती ही है। हाँ, तुमने मेरी जायदाद इस्तेमाल की और मैंने तुम्हारी जायदाद इस्तेमाल कर ली, बात बराबर। इसमें कहीं कुछ गलत है क्या? हाँ रवि वर्मा, रवि वर्मा नाम है मेरा। तुमसे बदला तो लेकर ही रहूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। रवि वर्मा। ये क्या किया तुमने? शायद वो जो खुशी चाहते हैं वो खुशी आप उन्हें नहीं दे पा रही हैं। शायद इसीलिए वो मेरे पीछे पड़े हैं। ये गलत है। ओह गलत है, तब तो आपको हमारे बीच से हट जाना चाहिए, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो पसंद है वो लोगों को भी पसंद हो।
मैं यहाँ अपनी पसंद नहीं बल्कि कुछ मांगने के लिए और कुछ बताने के लिए आई हूँ। तुम ये जायदाद मेरे नाम करके मेरे साथ सौदा करना चाहती हो? सौदा आप सोचते होंगे, ये जिंदगी है मैं सोचती हूँ। मेरी बहन के बारे में क्या सोचते हैं आप? किसी सूखे हुए फूल को मैं दोबारा नहीं सूंघता। मैंने आपके बारे में नहीं पूछा, बहन की शादी करना चाहती हूँ। सभी फूल पूजा के लिए नहीं होते, कुछ फूल कब्र पर भी चढ़ाए जाते। ये गलत है जी। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है, अब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहा? मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है तो ये रिलेशन के बारे में और मेरे बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या मुझे भी औरों की तरह यूज करके फेंक देंगे? शालिनी बताइए। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। इस वंश के लिए एक बारिश होने तक इस राक्षस को संभाल लो बहू। मैं और चीजा एक हो जाएंगे। अगर मैंने तुम्हारी जायदाद इस्तेमाल कर ली तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? यही तो चाहता हूं मैं। शालिनी, मेरे जन्मदिन पर तुमने ऐसा तोहफा मुझे दिया है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। प्यार का सबूत दिया है तुमने मुझे। हम दोनों के बीच अब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा हमारे बीच। आओ, I love you। आओ शालिनी, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं इंसान नहीं जानवर बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दो शालिनी, प्लीज। आओ शालिनी। मैं तुम पे और भरोसा नहीं करूंगी। उस वक्त मैं मरना चाहती थी लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे की वजह से मैं मर नहीं पाई। उसकी वजह से मुझे जीने की हिम्मत मिल गई। जब मैंने तुम्हें मारा तब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। अपनी बेटी को बिना पापा की बेटी नहीं बनाना चाहती थी मैं, लेकिन बच्ची की तरह रही मेरी बहन के साथ तुमने जो नीच काम किया रवि वर्मा, मैं उसे यकीन नहीं कर पाई, इसलिए मैंने तुम्हें मार डाला। गुस्सा खत्म होने तक मैंने तुम्हें मार डाला। तुम जीत गए और मैंने तुम्हें मार डाला, पर मैं तुम्हारे अंदर के राक्षस को नहीं मार पाई और तुम दोबारा पैदा होकर बड़े होकर हमारे बीच आके खड़े हो गए हो मुझे दोषी बनाने के लिए। लेकिन मैं अपनी बेटी के सामने कातिल बनके नहीं आ सकती। मैं उसे नहीं बता सकती कि मैं उसके पापा के कातिल हूँ। तुम वापस आए हो मुझे मारने के लिए, लेकिन जब तुम्हें तुम्हारी बेटी मिली तब तुम उसे पाके बहुत खुश हो गए और तुम उसके साथ खुशियां मनाने लगे। लेकिन जैसे ही तुमने मुझे देखा तुम्हारे अंदर का जानवर जाग उठा और तुम राक्षस बन गए। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार के यहाँ से चले जाओगे? तुम क्यों संयोगता से मिले, बाकी लड़कियों से क्यों नहीं मिले, उसका अच्छा ख्याल क्यों रखा तुमने? तो मैं भी तो तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ऐसा? तो मैं भी तो तुम्हारे दिल में हूँ। मैंने प्यार कहा है, चाहते ही कहा। तुम मेरी कितनी केयर करती हो, कितनी बार तुमने मुझे सपोर्ट भी किया है, इसलिए तुम मेरी जान हो। I love you। No। तुम्हें अपनी बेटी के साथ खुशी से रहना चाहिए, ये न्याय है, लेकिन मुझे मार के बदला लेना यह अन्याय है। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो तुम वापस जन्म लेके फिर आ जाओगी, इसलिए तुम्हें न्याय देने के लिए तुम्हारे अंदर के राक्षस को ही खत्म कर देती हूँ मैं। शालिनी, नहीं शालिनी, नहीं, तुम जीत गई शालिनी। उस जन्म में तुमने मेरी समाधि बनाई, इस जन्म में मुझे इंसान बना दिया। नहीं शालिनी, नहीं, नहीं प्लीज। मैं तुमसे नहीं हारी, अपनी बेटी से हार गई। सच तो यही है कि मैंने उसके पिता को मारा। ये बात उसको मालूम होगी तो उसका भरोसा टूट जाएगा, मेरी बेटी का भरोसा टूट जाएगा। भरोसा टूटने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं।
हर लड़की के लिए उसके पापा हीरो होते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इतने दिन उसके साथ रहे, तुम उसके सब कुछ हो। इस बात में तुम जीत गए शालिनी। ये सब मैं रवि वर्मा के लिए नहीं, तुम्हारे अंदर की चित्रा के लिए कर रही हूँ। नहीं शालिनी, मेरी बेटी का ध्यान रखना। नहीं शालिनी। शालिनी चित्रा, ये वक्त दुखी होने का नहीं है बल्कि खुश होने का है। मैंने क्या हासिल किया खुश होने के लिए? हर जन्म में एक रिश्ता होता है, लेकिन वो रिश्ता क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन तुमने उस रिश्ते को जान लिया था चित्रा, तुम उन दो जन्मों के बीच का पुल हो। यू आर ए लिविंग लेजेंड, वंडर, मिराकल, व्हाट नॉट। और तुम्हारे द्वारा हम रवि वर्मा का परिचय दुनिया से करा देंगे। इस एक कहानी से हम करोड़ों कमा सकते हैं। रवि वर्मा मर चुका है। ये बात मैं उस रवि वर्मा को बताना चाहता हूं। कितना चाहिए? मेरे लिए 20% बहुत है। मैं शेयर की बात नहीं कर रही हूं। अभी तक आपने जो ट्रीटमेंट किया है उसकी फीस चित्रा की जायदाद से ज्यादा संयुक्ता की जायदाद है। आप जा सकते हैं। समझू। ये क्या राजेश, अंगूठी बेचनी शुरू कर दी? वो तुम्हारी उंगली की साइज मैं नहीं जानता था, इसलिए जो फिट आ जाए और पसंद हो वो तुम ये सब लो। क्या है? बोलो। Will you marry me? ओके। क्या बोला? ओके। ओके।